जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम द एग्जांपल पर। हमें एग्जाम्पल कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेली अकेडमिक क्लास मॉर्निंग में सुबह 5 बजे होती है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करेक्ट 5 बजे एसएससी एग्जाम्स बाई एग्जाम्पल पर। इसी के साथ चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी सफलता में 4 चांद लगाने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो, जब भी आप लोग करंट अफेयर्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, याद रखना जब भी आप लोग कोई भी करंट अफेयर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको अपनी नजरों में बस एक चीज जरूर रहती होगी कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ रहा हूं काश ये टॉपिक मेरे एग्जाम में फंस जाए। चाहे वो कोई एग्जाम आपका हो, किसी भी एग्जाम में मेरा कोई भी टॉपिक फंस जाए। और जब हम लोग पढ़ते हैं एक नया मोटिवेशन हमारे दिल में रहता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए जो अभी तक ना हुआ हो। ऐसा होता है ना, तो याद रखना बस धीरे धीरे अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। अपने इरादों में जान डालने के लिए डेली कुछ ना कुछ खुद से एक ना एक वादा करते रहो। और याद रखना वादा ऐसा होना चाहिए जिसकी नींव बहुत ज्यादा मजबूत हो। भले ही आपका जो सपना है वो, मतलब भले ही आपकी जो रणनीति है आगे जाके इतनी बड़ी आपने फैलाव नहीं दिया है, लेकिन उसकी जो रणनीति है शुरुआत करने की वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि घर टूटते बनते बार बार रहते हैं एक ही जगह पर, लेकिन उनकी नींव सिर्फ एक बार भरी जाती है। तो याद रखना नींव बार बार नहीं भरी जाती, वो नींव ही है जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बस एक बार नींव भर दो, बस आराम से चलते रहो। मान लो ये बोतल है किनले, इस किनले ब्रांड ने अपना ब्रांड का नाम इतना बड़ा बना दिया है कि जब भी कोई इंसान जब दुकानों पे जाता है तो किनले की बोतल ही मांगता है ना। तो उसका नॉर्मल मतलब होता है पानी। इसी प्रकार से आपका जब भी नाम आए तो नाम सिलेक्शन से हमेशा जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक गर्दी होनी चाहिए दिल में, यार दिल और दिमाग में लाजमी, दोनों दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है। किस लिए? आपकी सफलता के लिए, अर्थात बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी के साथ चलते हैं आज के सेशन में। आज की डेट हो जाती है सर जी 27 अप्रैल 2022। 27 अप्रैल की महत्वपूर्ण सुर्खियां प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस। और कल की एक कमेंट लेते हैं। कल की कमेंट थी मेरे पास कुछ आपकी कमेंट ऑफ द डे, याद रखना कल की एक कमेंट है, कल की एक कमेंट है और कमेंट है सिया पांडे की। कमेंट किसकी है तो याद रखना सिया, किसी का आप में से नाम है सिया पांडे। और सिया पांडे की कमेंट थी कि सर जी जो करंट अफेयर हुआ करे उसी दिन निपटा दिया करो, यही कमेंट थी ना। तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है, देखो जो आप चाहते हो बात आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन अभी अगर चाहो कि सर ये बात सही है या नहीं है तो आपकी बात बिल्कुल गलत है। याद रखना ये जो मेरी करंट अफेयर है ये 3 दिन का बैकअप लेके चलती है। 3 दिन का याद रखना, 3 दिन का BACKUP यानी कि 3 दिन का बैकअप लेके चलती है। मान लो कोई करंट अफेयर क्वेश्चन छूट जाता है तो उस क्वेश्चन को भी कवर करना पड़ता है। तो 1, 2 एंड 3, 3 की 3 डेट मेरे साथ इन क्वेश्चंस में कवर करके हम लोग चलते हैं ताकि सिंगल क्वेश्चन बाहर ना जाए। और 100% कॉन्फिडेंस के साथ जो हम चिल्लाते रहते हैं कि 100% मेरी गारंटी होगी एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने की विद रिवीजन की। आप लोग मैसेज करते हो पर्सनल कि सर रिवीजन कब करवाओगे, तो ये रिवीजन साथ साथ में चलता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है तो आप इस क्लास में ज्वाइन नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि सर इस क्लास में रहने के बाद मेरा इतना फायदा हुआ जितना हम भी नहीं सोच सकते थे, कभी भी कोई करंट अफेयर ऐसी मिलेगी जो इतना फायदा देगी, उसके लिए आपका वेलकम है। अंतिम क्षण तक जब तक क्लास खत्म ना हो जाए तब तक अगर रुकने का दम है तो आप इस क्लास में कंटिन्यू रह सकते हैं एक सफलता के लिए। क्योंकि जब भी इंसान सफल होता है तो याद रखना सपनों के पीछे मतलब जो उसने सपना देखा है अंतिम दम तक, जब तक उसके अंदर दम है तब तक उस सपने को पूरे करने की चाहत होनी चाहिए, तभी वो पूरा होता है। और सपने की चाहत में हर क्षण में हर क्लास में उसकी ताकत होनी चाहिए अंतिम क्षण तक डटने की, तो ही सफल हो गए। इसी के साथ चलते हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन की महत्वपूर्ण सुर्खियां कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर। आज की पहली सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ समारोह को हाल में किया संबोधित। नगर विमानन मंत्रालय ने योगाभ्यास कार्यक्रम योग प्रभा का हाल ही में किया आयोजन। राजनाथ सिंह ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध दिग्गजों को किया हाल ही में सम्मानित। एपिटा द्वारा प्रगति मैदान में 2022 के 36वें अब भगत मेला आहार का किया गया आयोजन। आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब अपने नाम किया।
कैक्समियम डूरशूल में 24वीं ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। ये प्रस्ताव प्रणाली मेगे ने चैंपियंस परियोजना के रूप में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। रॉबर्ट गोलोब को ऐतिहासिक जीत के बाद स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में बिहार में किया गया नियुक्त। किशोर कुमार दास को बच्चों के शिक्षा तक पहुंच के सुधार में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से बिहार में किया गया सम्मानित। और एक बार जल्दी से सभी मिलके कमेंट कर दो कि सर जी आपने जितना कहा जितना बोला पीछे स्क्रीन आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से हम सभी तक पहुंच रही है। सबसे पहले आप लोगों के कमेंट मेरे पास आ जाने चाहिए कि सर प्रॉपर तरीके से हम लोगों को दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से हम लोगों को दिख रहा है और प्रॉपर तरीके से हम लोगों की हर चीज मेरे सामने आ रही है। एक बार जल्दी से मिलके सभी लोग इस चीज के लिए कमेंट कर दें ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि प्रॉपर तरीके से सभी को हर चीज बेहतर तरीके से दिख रही है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो। चाहे युवराज सिंह जी, सम्राट सिंह जी, KGF रॉकी, क्या बात है यार, जिसका इंतजार था वही आ गया क्लास में। इसी के साथ मैं हमारे कृष्ण मलकर जी, सोनाली जी, भारती पाल जी, विवेक सिंह जी, युवराज सिंह यार जी, इसी के साथ में हर्षराज सिन्हा जी, एरन मौर्या जी, बंदना कुमारी जी, सभी का दिल खोल के स्वागत है अपनी क्लास में। और बंदना कुमारी जी, क्लास में अंतिम क्षण तक रहा करो, बीच में बाय कह के मत निकल लिया करो। इसी के साथ चलते हैं आज के मोटिवेशन क्विज़ में, जो आपको थोड़ी सी ऊर्जा देगा और क्या ऊर्जा देने वाला है इसी के साथ आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया। नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला पशुपालन को समर्पित रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी को लॉन्च किया। आज के मोटिवेशन जो कुछ वो बताएगा जो वो बताना चाहता है, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। याद रखना, जिनके क्षणों में, चाहे भगवान राम की बात करें चाहे आप लोगों की बात करें, याद रखना जो मंजिल को पाने की चाहत, और ये चाहत जो होता है ना, ये इश्क होता है, ये वो मोहब्बत है जो अपनी काबिलियत को पाने के लिए आपको मजबूर कर दे और ऑप्शन अपनी लाइफ में सारे ऑप्शन हटा दो, बस एक ऑप्शन रखो, क्या, कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है। जो मेरी करंट अफेयर होती है, याद रखना इसमें मेरा 100% कॉन्फिडेंस क्यों रहता है, क्योंकि इसमें हम 100% देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी क्लास से एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसका क्वेश्चन इस क्लास से बाहर हो जाए। इसीलिए देते हैं यार, इसीलिए चलाते हैं, क्योंकि हमें पता है नहीं जाएगा बाहर, चैलेंज देते हैं सामने से। तो आज क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन का शुभारंभ कुछ इस प्रकार से। सीधी सी बात है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ समारोह को हाल में किया गया संबोधित। याद रखना, सबसे पहले यह जो एक प्रकार की यात्रा है, यह एक प्रकार की यात्रा है, नाम क्या है, शिवगिरी यात्रा। याद रखना नाम क्या है, शिवगिरी यात्रा इसका नाम है। और इस यात्रा के साथ में एक और प्रकार का यहाँ पर शिविर स्टार्ट होता है। सर वो कौन सा शिविर है, तो याद रखना ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती। ब्रह्म विद्यालय की यहीं पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। सर ये स्टार्टिंग का वही थी इसकी, तो आपको याद रखना है 25 अप्रैल से कब किया गया था, तो याद रखना 25 अप्रैल को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। सर किस राज्य में इसको मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है केरल के अंदर इसको मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, केरल के अंदर इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी आपके अलग अलग हमारे क्या होते हैं समुदाय, जिनको कम्युनिटी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, क्या होते हैं, समुदाय है, और समुदायों के साथ में जितने भी हमारे धर्म हैं सबको जोड़ना, इसका मतलब क्या होता है, कुल मिला के सबको जोड़ना। आपने देखा होगा धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा जो लड़ाइयां होती हैं उनको रोकने के लिए। सर इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना अगर आपसे पूछ दिया जाए सर इसकी शुरुआत हुई कब थी और किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आपको याद रखना है नारायण गुरु के द्वारा। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना नारायण गुरु जी के द्वारा
नारायण गुरु जी के द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 1993 में, 1993 से इसकी इसका शुभारंभ कर दिया गया था। कभी कभार वर्ष में दो बार भी इसका शुभारंभ किया जाता है। अब की बार कौन सी वर्षगांठ है सर जी, अगर पूछ दी जाए अब की बार कौन सी वर्षगांठ है, तो आपको याद रखना है अब की बार हमारी 90वीं वर्षगांठ है जो अभी हाल में स्टार्ट की गई है। इसी प्रकार से आपको पता होगा इसी के लिए सभी लोगों के लिए भारत का पहला लेबर मूवमेंट का शुभारंभ कहां किया गया, भारत का पहला LOBOUR लेबर मूवमेंट, याद रखना भारत का पहला लेबर लेबर मूवमेंट म्यूजियम लेडर लेबर मूवमेंट संग्रहालय लेबर मूवमेंट याद रखना संग्रहालय का शुभारंभ कहां किया गया, यह भी इसीलिए किया गया था। कहां किया गया तो आपको याद रखना है केरल के अंदर इसका शुभारंभ अभी हाल में किया गया था। तो याद रखना यात्रा शिवगिरी यात्रा ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती के रूप में 25 अप्रैल से मनाई जाती है केरल के अंदर। अलग अलग समुदाय को और जितने धर्म है उनको एक साथ जोड़ना, इसका शुभारंभ नारायण गुरु के द्वारा किस वर्ष किया गया था सर, तो 1993 में इसका शुभारंभ प्रॉपर तरीके से किया गया था। अब की बार इसका शुभारंभ मतलब इसकी वर्षगांठ को संबोधित किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इसका संबोधन किया गया। इसी प्रकार से शेयर योर इनपुट्स फॉर पीएम मोदी एज ही पार्टिसिपेट इन द 19th एनिवर्सरी ऑफ शिवगिरी पिलग्रिम, ठीक है इसको आप लोग याद रखना। क्लियर हुआ, अब चलते हैं करंट अफेयर कहां की केरल राज्य की। तो क्या क्या आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है भारत में पहली बार आपको पता होगा स्टार्टिंग हुई थी 1964 में किसकी, लोकायुक्त की। तो आपको दो पॉइंट याद रखने हैं, कौन से भारत के अंदर जो लोकपाल होता है, भारत के अंदर याद रखना जो लोकपाल होता है ना क्या होता है, लोकपाल भारत का एकमात्र लोकपाल होता है उसका नाम क्या होता है सर जी, ये सेंटर के लिए आता है यानी कि केंद्र सरकार के लिए होता है। भारत के पहले लोकपाल का नाम क्या है तो आपको याद रखना है पिनाका चंद्र घोष, नाम क्या है पिनाका चंद्र CHANDRA पिनाका चंद्र GHOSS पिनाका चंद्र घोष इनका नाम है। अगर पूछ दिया जाए लोकायुक्त की शक्तियों पर रोक लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखना भाई साहब रोक रोकथाम, याद रखना है शक्तियों पर रोक, भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने शक्ति पर रोक लगा दी। और सर किसकी शक्तियों पर रोक लगा दी है, लोकायुक्त की, किसकी शक्तियों पर लोकायुक्त की। तो ये लोकायुक्त कहां होते हैं, लोकायुक्त राज्य में होते हैं और लोकपाल भारत का सिर्फ एक होता है, उनका नाम क्या है पिनाका चंद्र घोष, याद हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य केरल, भारत का एकमात्र और पहला राज्य हमारा केरल है जो पहला स्टेट बना है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने वाला, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो आपको याद रखना है केरल बना है। केरल ने याद रखना अभी हाल में अपना एक फेस्टिवल स्टार्ट किया जिसका नाम है थैयम, थैयम फेस्टिवल कहां मनाया जाता है केरल के अंदर। अगर पूछ दिया जाए कुसुम, कुसुम परियोजना में अभी हाल में गूगल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके फोस्टर ग्लोबल लिंक यानी कि स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए राज्य में जितने भी जो लोग हैं जो स्टार्टअप का शुभारंभ करने वाले हैं इसके लिए केरल का नॉर्मल स्टार्टअप का नाम है कुसुम, इसने गूगल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और ये कहा हमारे राज्य में जितने भी युवा हैं उनको स्टार्टअप स्टार्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो हस्ताक्षर के साथ किसके साथ किए कुसुम ने, गूगल के साथ। इसी के साथ कुसुम के साथ एक क्वेश्चन याद रखना, कुफॉफ ने निसार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, निसार एक प्रकार की अंतरिक्ष परियोजना है जिसका शुभारंभ भारत और इसरो और नासा के द्वारा 2011 और 13 में किया गया था, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, चौथा इंडियन बोट एंड मैरिटाइम शो का शुभारंभ कहां किया गया, तो ये अब की बार का याद रखना है आपको चौथावा संस्करण था, अब की बार सर कौन सा था, अब की बार याद रखना है आपको चौथावा संस्करण था, इसका शुभारंभ कहां किया गया है तो इसका शुभारंभ आपको याद रखना है केरल के कोची बंदरगाह पर किया गया, कहां किया गया इसका शुभारंभ आपको याद रखना है केरल के कोची बंदरगाह पर इसका शुभारंभ किया गया था, बोलो याद हुआ, ठीक है। ये चार से पांच क्वेश्चंस केरल के थे जो केरल के रिगार्डिंग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे, बस मेरा एक रणनीति एक बनाओ, एक बार दिमाग सेट करो कि मेरा कुल मिला के पढ़ाने का मतलब इतना है, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूं, वैसे बार बार बताते नहीं है, जहां की करंट अफेयर है उसी की करंट अफेयर घुस के पढ़ लो, इसको कहते हैं टॉपिक वाइज। तो हमने कौन सा राज कवर किया, राज कवर किया हमारा केरल, ये टॉपिक था। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, आज हम लोग ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं पढ़ने वाले हैं,
पूरा टॉपिक आज का महत्वपूर्ण है, ठीक है। डेली कोई ना कोई टॉपिक निकलता है, ऐसे समझो यार, इसीलिए सक्सेस मिलती है। क्यों? मेरे एग्जाम हो या आपके एग्जाम हो, क्यों निकलते हैं, क्यों सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज का टॉपिक तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर दो, हाल में किस शहर में नगर विमानन मंत्रालय ने योगाभ्यास कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किया है? सबसे पहले आपको पता है योग प्रभा, और योग प्रभा में जाने के लिए योग प्रभा जो कार्यक्रम है कौन सा है, योग प्रभा एक प्रकार का कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है, योग प्रभा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा या सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा या स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है नॉर्मल प्रकार से, लेकिन याद रखना योग प्रभा कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल एविएशन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया तो आपको याद रखना है सिविल एविएशन, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया सर जी, सिविल एविएशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा किया गया। इसके मिनिस्टर का नाम क्या है, कैबिनेट। अगर पूछ दिया जाए इसके कैबिनेट मिनिस्टर का नाम क्या है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। नाम क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका नाम है, जो इसके क्या हो जाते हैं, मिनिस्टर हो जाते हैं। इनके द्वारा भी हाल में शुभारंभ किया गया, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा भी हाल में सर जी शुभारंभ किया गया। अगर हम पूछ दें सर शुभारंभ किया कहाँ पे गया है, तो आपको याद रखना है दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। कहाँ पर किया गया, आपको याद रखना है दिल्ली के अंदर योग प्रभा का शुभारंभ किया गया। इसी योग प्रभा से एक क्वेश्चन याद रखना, योगासना, भारत में पहली बार योगासना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, योगासना का शुभारंभ किसने किया, तो याद रखना नवीन पटनायक के द्वारा। किसके द्वारा, याद रखना नवीन पटनायक, नवीन पटनायक के द्वारा उड़ीसा के अंदर क्या किया गया है, उड़ीसा के अंदर योग प्रभा का शुभारंभ किया गया, सॉरी योगासना का शुभारंभ किया गया। योग के संबंध में एक क्वेश्चन पूछता है विश्व योग दिवस, क्या पूछेगा आपसे, याद रखना विश्व योग, यही से आपसे क्वेश्चन निकाल के पूछ लेगा विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है 21 जून को विश्व योग दिवस, याद रखना प्रॉपर तरीके से हर साल हम लोग 21 जून को मनाते हैं। सर इससे और कोई क्वेश्चन निकलता है, बिल्कुल निकलता है। क्या निकलता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, याद रखना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यह घोषणा मोदी, यह प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो याद रखना यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसके द्वारा रखा गया था, तो याद रखना मोदी जी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। कब रखा गया था, 2014 में इस प्रस्ताव को क्या दे दी गई थी, मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन पहली बार अगर पूछ दिया जाए फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया गया, तो फर्स्ट टाइम आपको याद रखना है इंटरनेशनल योग दिवस हम लोगों ने 21 जून को मनाया था। पहली बार हम लोगों ने योग दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया, 21 जून को सेलिब्रेट किया। इसी के संबंध में और क्या क्वेश्चन निकलता है, अब देखो भाई साहब इतना आप पढ़ चुके हो, यहां से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है, वो ये निकलता है कि अभी हाल ही में सर क्या हुआ था, अभी हाल ही में एक और परियोजना याद रखना, भारत का पहला जो योग सेटअप है भारत के बाहर किस देश में खोला गया, लॉस एंजल्स कहां पर है, यूएसए के अंदर है। योग यूनिवर्सिटी भारत से बाहर कहां खोली गई है, और अब तक की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी योग यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स में यूएसए के अंदर। और लॉस एंजल्स याद रखना ओलंपिक का मेजबान शहर होगा 2028 में, क्या होगा, 32-33-34 34वां संस्करण 2028 में समर ओलंपिक का मेजबान शहर होगा लॉस एंजल्स, याद रखना योग का, किसका होगा, योग का, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना। इसी के साथ योग प्रभा कार्यक्रम हो गया, शुभारंभ किया था नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा, और इसी नगर विमानन मंत्रालय ने अभी हाल में विंग्स इंडिया का शुभारंभ किया था। किसका शुभारंभ किया था, तो आपको याद रखना है इसी नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा, यहीं पे फिर से डाल लो, इसी नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा किसका शुभारंभ किया गया था, तो आपको याद रखना है विंग्स इंडिया का, WINGS विंग्स इंडिया 2022 विंग्स इंडिया 2022 का शुभारंभ किया गया था। सर ये कहां किया गया था, तो आपको याद रखना है तेलंगाना के अंदर,
याद रखना है, तेलंगाना में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पर, कहां पर किया गया, बेगमपेट एयरपोर्ट पर इसका शुभारंभ किया गया था। इसके सरजी कितने राज्य सपोर्टेड थे, याद रखना आपको, SUPPORT सपोर्ट स्टेट, कितने ऐसे राज्य थे जिन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था, एक आपको याद रखना है ओडिशा, एक आपको याद रखना है यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश आता है, एक आपको याद रखना है हमारा आंध्र, अरुणाचल याद है ना, आंध्र प्रदेश आता है। अगर पूछ दिया जाए कौन सी कंट्री इसमें शामिल हुई थी, COUNTRY, कौन सी कंट्री इसमें शामिल हुई थी, तो याद रखना ये था आपका यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल हुआ था। अगर यहीं से पूछ दिया जाए आपसे, सर जी बेस्ट एयरपोर्ट किसको चुना गया है, बेस्ट एयरपोर्ट की श्रेणी में किसको चुना गया है, तो याद रखना है आपको कोचीन हवाई अड्डे को, किसको, COCHIN, कोचीन एयरपोर्ट को बेहतरीन हवाई अड्डे के रूप में चुना गया था। सर पार्टिसिपेट एयरलाइन का नाम क्या था, अगर पूछ दिया जाए पार्टिसिपेट एयरलाइन का नाम क्या था, तो याद रखना बोइंग, BOEING, नाम क्या था सर जी, बोइंग। शायद ही आपने इतने सारे क्वेश्चन विंग्स इंडिया से याद रखे होंगे, हमने आपको हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज बता दी नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा, और एक नाम क्या था इसका, विंग्स इंडिया इसका नाम था। इतनी बात समझ में आई, और भारत के अंदर याद रखना आपको पता होगा एयर शो का आयोजन भी किया जाता है इसी के द्वारा, और रक्षा मंत्रालय के तहत किसका एयर शो का शुभारंभ किया जाता है, और अब की बार कौन सा संस्करण होगा, अब की बार याद रखना 14वां एडिशन होगा। ये कहां पे होता है, तो आपको याद रखना ये होता है कर्नाटक के अंदर आयोजित किया जाता है, कर्नाटक के अंदर आयोजित किया जाता है, किस हवाई अड्डे पे, तो याद रखना है हे अलका हवाई अड्डे पर इसका प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है। अब की बार इसका 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा राजनाथ सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपूर्ण योगदान से। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछते हैं इंटरनेशनल योग डे 2022, तो आपको वो पता ही होगा जो अभियान में शुभारंभ किया गया योग प्रभाग का। अगला क्वेश्चन है सर जी, ये क्या है, 7वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मेक्चुअल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर, इसका शुभारंभ फिक्की के द्वारा किया गया था, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, इन्वेस्ट इंडिया के साथ में। सर कहां किया गया था, अब की बार 7वें संस्करण का शुभारंभ, तो याद रखना दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया था, दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल में दिल्ली रोजगार बाजार पोर्टल को लॉन्च किया गया। लेकिन इसी प्रकार से स्वरोजगार मेला जो एक प्रकार का मेला है, इसका शुभारंभ किस राज्य ने किया था, याद रखना इसका शुभारंभ हमारे गुजरात के द्वारा किया गया था। और सिर्फ रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, तो आपको याद रखना है इसका शुभारंभ किया था छत्तीसगढ़ के द्वारा। सर किसने किया था, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ना है, भारत में पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक बस कहां पर चलाई गई है, तो दिल्ली के अंदर। और भारत की पहली डिजिटल बस कहां चलाई गई है, तो याद रखना है आपको कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछ दे, अमर जवान ज्योति जो है, इसके सामने अभी हाल में सुभाष चंद्र बोस जी की अभी हाल में किसका शुभारंभ किया गया, ज्योति का शुभारंभ किया गया था, किस दिन किया गया था, आपको पता होगा अभी रिसेंटली मोदी जी के द्वारा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, ईशान मंथन, ये भी आपको याद होगा, ईशान मंथन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ईशान मंथन का शुभारंभ कहां किया गया था, दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्ट्रेट स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट, ये नोट कर लो, दिल्ली की सड़कों में सुधार करने के लिए, यानी कि किस केंद्रशासित प्रदेश ने या किस राज्य ने अपनी सड़कों में सुधार करने के लिए स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट, तो दिल्ली ने इसका शुभारंभ किया था, स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट। अगर आपसे पूछ दे ऑपरेशन सजग, ये ऑपरेशन कॉपी में नोट कर लो, ऑपरेशन सजग का शुभारंभ किसने किया था, तो दिल्ली ने किया था ऑपरेशन सजग का शुभारंभ। किस्सा खाकी का एक प्रकार का रेडियो चैनल है, किस्सा खाकी का कहां का है, तो याद रखना दिल्ली का है, डेली क्राइम्स का है नाम याद रखना, किस्सा खाकी का, खाकी ने जितने काम किए उनके लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस्सा खाकी का। इसी प्रकार से आज का अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन सर, हाल में राजनाथ सिंह ने किस राज्य में, देखो भैया सीधी सी बात है,
कुल मिला के कहने का मतलब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बिल्कुल मेरे गुरुदेव, बिल्कुल सर जी। वही गुजरात जिसे स्टील सड़क बनाया है। हाँ बिल्कुल बंदना कुमारी जी, वही वही गुजरात है जिसने स्टील सड़क का शुभारंभ कर दिया, ठीक है। और इसी आंकड़े में थोड़ा सा आगे बढ़ना, हाल में राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध दिग्गजों को अभियान में सम्मानित किया है। यहां पर सबसे पहले नोट करो, हमारे गांधी जी को जानते हो, गांधी जी कौन थे? फादर ऑफ द नेशन। कौन थे? फादर ऑफ द नेशन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गांधी जी, सबसे पहले जो हमारे गांधी जी थे, इनसे एक क्वेश्चन यहां पे निकलता है, इनके लिए भारत में PEACE पीस प्राइज दिया जाता है। क्या किया जाता है? पीस प्राइज दिया जाता है। और याद रखना, पहला अभी हाल में, सॉरी पहला क्या, वर्ष 2019 का वर्ष 2020 में दिया गया था। तो भाई साहब हुआ तो 19 का, ये किसको दिया गया था? हमारे ओमान काबूस को। किसको दिया गया था? ओमान काबूस को दिया गया था, काबूस को दिया गया था। एक क्वेश्चन याद हुआ, ये कहां के थे? ये आपके ओमान के रहने वाले हैं। कहां के हैं? ओमान के। इसी प्रकार ओमान की थे ना, गांधी पीस प्राइज मिला है। नंबर दो पे पूछ लिया जाए, वर्ष 2020 का किसको मिला है? तो याद रखना, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर, SEIKH, शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को। और यहीं से क्वेश्चन निकलता है, शेख मुजीबुर जो रहमान थे ये कौन थे? तो आपको याद रखना है, ये हमारे बांग्लादेश के, ये क्या थे सर? तो याद रखना, ये बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे, ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। और यही याद रखना, बांग्लादेश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। क्या थे? द्वितीय प्रधानमंत्री थे। 1971 की बात करें, मुक्ति संग्राम में कौन कौन से देश शामिल थे? एक तो हमारा भारत इसमें शामिल ही था, भारत शामिल था। एक और देश याद रखना, भूटान। भूटान भी इसमें जहां तक साथ दे सकता था वहां तक इसमें शामिल था, और कोई देश लगभग में शामिल नहीं था। ये सर मुक्ति संग्राम चलाया क्यों किया गया था? तो आपको पता होगा, ये जो एरिया हमारा बनता है, ये वाला, यहां पर जाओगे तो ये हमारा कौन सा है? बांग्लादेश है। यहां पर जाओगे तो ये हमारा पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को पहले जब यहां आता था, इसको क्या कहा जाता था? तो आपको याद रखना है, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आपको याद रखना है, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, इसको अलग कर दिया गया, ये पाकिस्तान बन गया, और इसको नाम दे दिया गया बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो सर ये बांग्लादेश जो नाम दिया गया, ये कब दिया गया? इसके लिए आपको दो क्वेश्चन याद करने हैं, बांग्लादेश के लिए दो क्वेश्चन याद करने हैं। सबसे पहले, बांग्लादेश विक्ट्री डे कब मनाता है? तो आपको याद रखना है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश क्या मनाता है? अपना विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। क्या मनाता है? विक्ट्री डे के रूप में। लेकिन सर इसको डिक्लेयर कब किया गया था पाकिस्तान से? डिक्लेयर्ड, याद रखना, डिक्लेयर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। ये कहां से किया गया था? पाकिस्तान से, पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश को डिक्लेयर कर दिया गया था। वो डेट सर कौन सी थी? तो याद रखना है, 26 मार्च 1971 को डिक्लेयर पाकिस्तान के द्वारा किया गया था कि बांग्लादेश अब स्वतः एक प्रकार का देश बन चुका है। तो आपको ये पूरी श्रेणी याद रखनी है। और अब की बात सर जी, हुआ क्या है? इस क्वेश्चन का कुल मिला के तात्पर्य यह है कि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध दिग्गजों को सम्मानित कहां किया गया है? तो नोट करो मेरे दोस्तों, असम के गुवाहाटी में। याद रखना, इसका शुभारंभ इन्होंने, ये अवार्ड कहां पे दिए हैं? असम के गुवाहाटी में। भाई साहब गुवाहाटी में सारे, बहुत सारे लोग होंगे, तो गुवाहाटी, क्योंकि असम सीमा साझा करता है, असम में 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बिहार में अवार्डों से सम्मान किया गया। इनको प्रॉपर तरीके से अलग अलग सम्मान दिया गया एक सेरेमनी के तहत। ये आज का बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना। गुवाहाटी में 307 से ज्यादा लोगों को राजनाथ सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया, मुक्ति संग्राम के युद्ध दिग्गजों से जो संबंधित थे, जिन्होंने साथ दिया था इनका। एक क्वेश्चन निकलता है, बांग्लादेश में जब मुक्ति हुई थी तो ऐसा दो देश शामिल थे, भारत भूटान, और भारत बहुत ज्यादा शामिल हुआ था, लेकिन बांग्लादेश ने अपना पहला पीटीए समझौता किस देश के साथ किया? प्रेफरेंशियल ट्रेड पार्टनरशिप। तो याद रखना, भारत के साथ नहीं किया, जुल्फा वाली ने। किसके साथ किया है? तो भूटान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इतनी बात समझ में आ गई, तो आपको पूरा का पूरा मैटर पढ़ा चुके हैं। ये था आज का बेहतरीन क्वेश्चन। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? असम। अब चलते हैं असम की करंट अफेयर और बेहतर तरीके से समझने के लिए आगे चलो। ये रहे हमारे राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह ने एक और काम कर दिया,
एक पुस्तक को भी लॉन्च किया यहाँ पर, क्या कर दिया, आल्सो लॉन्च अ बुक, लिख लो कॉपी में, आल्सो लॉन्च अ बुक, आल्सो एल ए यू एन सी एच, आल्सो लॉन्च अ बुक। और सर जी जिस बुक को इनके द्वारा बिहार में लॉन्च किया गया उस बुक का नाम क्या है, क्योंकि लॉन्च किया है राजनाथ सिंह के द्वारा, नाम क्या है, द ब्रेवर्स ऑफ 1971, याद रखना, द ब्रेवर्स ऑफ 1979, ये एक प्रकार की पुस्तक है। इसका विमोचन भी राजनाथ सिंह ने असम के अंदर किया है। इसी के अंदर चलते हैं असम की करंट अफेयर, सारी करंट अफेयर ध्यान सुनना, ये लिखने वाले नहीं है, जो लिखने वाला था अगर आप समझदार हो गए तो आपने ये सारी चीजें पहले से लिख ली होंगी। सबसे पहले चलते हैं आगे, किस राज्य के अंदर तिवा जनजाति रहती है, पहला क्वेश्चन, तिवा जनजाति असम के द्वारा रहती है, अगर पूछ दिया जाए वांचवा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, जो एक प्रकार के जनजातीय से संबंधित है, तो याद रखना है जनजाति से संबंधित वांचवा फेस्टिवल मनाया जाता है हमारे कहां पर, तो असम के अंदर, कहां पर, असम के अंदर। अगर पूछ दिया जाए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, तो आर्टिकल 338 आपको याद रखना है। अगर पूछ दिया जाए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में, तो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल हमारा 338A, कौन सा है, 338A। अगला क्वेश्चन, अगर पूछ दिया जाए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, कोविड 19 में अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का शुभारंभ असम सरकार के द्वारा किया गया था। असम भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पे जेनेरिक इंजीनियर एक्चुअल कमेटी के गठन के बाद में जेनेरिक रबर का शुभारंभ किया गया, किसका, जेनेरिक रबर का शुभारंभ किया गया, रबर के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन ये प्रस्तावित कहां हुए थे, केरल में, केरल ने कहा था, केरल ने हवाला दिया कि पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, इसलिए पर्यावरण के खिलाफ ना जाने के लिए इसको ठुकरा दिया और इसका शुभारंभ असम के अंदर किया गया। तो असम भारत का पहला राज्य जहां पर जेनेरिक रबर के पौधों का शुभारंभ किया गया है। अगला, बंबू इंडस्ट्रियल पार्क, भारत का पहला बंबू इंडस्ट्रियल यानी कि बांसों के संबंध में पार्क का शुभारंभ कहां किया गया, तो याद रखना बंबू इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ असम में, लेकिन बंबू प्रोजेक्ट कहां चलाया गया, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान। दो क्वेश्चन अलग अलग है, बंबू इंडस्ट्रियल पार्क असम में और बंबू प्रोजेक्ट हमारे राजस्थान में। हम आप आज से हर क्वेश्चन बारीकी से और डिटेल में पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम आज के 1 से 1.5 महीने में सारे लगे हुए हैं, ठीक है, तो बस ध्यान सुनना, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, असोम वैभव पुरस्कार किसको मिला है, टाटा रत्न को मिला असोम वैभव, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, राजीव गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में है, जिसका नाम बदलकर औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया, तो याद रखना ये असम के अंदर स्थित है। अगला, हैंडलूम प्रोजेक्ट उज्ज्वला आवाहन का शुभारंभ किया, कहां किया गया, उज्ज्वल आवाहन या उज्ज्वला आवाहन, इन दोनों का शुभारंभ याद रखना। हैंडलूम का मतलब होता है हथकरघा से संबंधित, जैसे 40वां हुनर हाट था, इसी प्रकार से आपको याद रखना है उज्ज्वला आवाहन का शुभारंभ किया गया असम के अंदर। अगला पूछ दिया जाए, अब की बार नौवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया, मनाया गया है, असम के द्वारा। असम भारत का पहला राज्य है जिसने फर्म्स के गठन की घोषणा की है। फर्म्स भारत का पहला बाढ़ प्रबंधन प्रणाली है, लिखो कॉपी में, भारत का पहला राज्य जिसने बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को बनाया उसका नाम क्या है, फर्म्स। फर्म्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये फर्म्स का फुल फॉर्म है। ये डिजिटल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है जो किसके बारे में बताता है, किसी प्रकार के आपदा के बारे में बताता है। किस राज्य ने बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को राज्य में स्कूल के सिलेबस में ऐड कर दिया, तो उड़ीसा राज्य, याद रखना, कौन सा, उड़ीसा। सर असम का ये क्वेश्चन तो आप लोग पहले कर चुके हो। अगला, असम के नेशनल पार्क, ये बहुत बार बताते हैं, एक बार फिर देख लो, रायमोना याद रखना, असम का 6वां नेशनल पार्क बना है, यही पर होगा दिंग फटकाई, कौन सा, दिंग फटकाई असम का 7वां नेशनल पार्क है, कुल मिला के 7 नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क याद रखना, दुनिया के सबसे छोटे सूरों को छोड़ा गया है। औरंग नेशनल पार्क का नाम बदला गया है, इसी प्रकार से नावेरी तो आपको पता होगा, इसमें नॉर्मली कोई चीज बनाई नहीं गई है। काजीरंगा भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसने क्या किया है, जिसमें
काजीरंगा भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसने सैटेलाइट फोन का यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क बना है। डिब्रू साइकोबा और नामेरी आपको अलग से याद रखने हैं। तो कुल मिला के 7 नेशनल पार्क अपने आप में करंट अफेयर के मुद्दे बने हुए हैं। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि चौथा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। हाल में किसके द्वारा प्रगति मैदान में 2022 के 36वें आव भगत मेला आहार का किया गया आयोजन। हर स्टूडेंट जो अब इस क्लास में जुड़ा हुआ है पेन कॉपी बड़े कसके पकड़ ले, क्यों? क्योंकि आज हम एक टॉपिक निपटाने वाले हैं जिसका नाम है मेला। याद रखना टॉपिक, शायद आपने कभी भी ऐसे टॉपिक को कवर किया हो और शायद आपने आज तक किसी भी ऐसे व्यक्ति ने कोई बुक ऐसी लॉन्च की हो जो टॉपिक वाइज बुक हो, किसी के द्वारा ऐसी बुक लॉन्च नहीं की जैसा अपने क्लास का कंटेंट है। मुझ पे ध्यान मत दो, कंटेंट पे ध्यान दो। अगर कंटेंट पे ध्यान दिया तो आपको बेहतर तरीके से सिलेक्शन मिलने में बहुत ज्यादा जल्दी होगी। कब मिले और ये सिलेक्शन ये कहेगा ले भाई ले। तो याद रखना है प्रगति मैदान, सबसे पहले लिखो ये प्रगति मैदान कहां पर है। आपको याद रखना है ये जो प्रगति मैदान है सर ये कहां पर है, तो भैया ये एक प्रकार का मेट्रो स्टेशन भी है। ये कहां पर है तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। अभी हाल में याद रखना आव भगत मेला आहार का शुभारंभ किया गया। इस मेले का जो नाम है इसका नाम है आहार। इसका नाम क्या है? इस मेले का नाम हो जाता है आहार। तो कुल मिला के किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? एपीडा के द्वारा। सर इसका शुभारंभ किया किसके द्वारा किया है? APEDA, एपीडा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अब पहले मेरी मुद्दे की बात सुनो सर जी, एपीडा का मतलब क्या होता है हमें पूरी डिटेल बताओ। APEDA, एपीडा का मतलब क्या होता है? देखो गुरु बात समझो, एपीडा का मतलब होता है भारत में मोदी जी ने कहा था कि किसान भाई अपनी फसलों को दूसरे देशों में बेच पाएगा, तो ये बेचने का काम करता कौन है? एपीडा के द्वारा किया जाता है। एपीडा में इस ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट, सॉरी एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखना ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इसका पूरे का सर फुल फॉर्म क्या है तो लिख लो कॉपी में, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड्स फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, ये बना कब था, तो याद रखना है 1986 में ये बन के तैयार हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर हमारे दिल्ली के अंदर है। सर इसके चेयरमैन CHAIR, इसके चेयरमैन यानी कि सर जी अध्यक्ष का नाम क्या हो जाता है, तो याद रखना डॉक्टर एम अंगामुथु। याद रखना इनका नाम क्या हो जाता है, डॉक्टर एम अंगामुथु, डॉक्टर एम अंगा MUTHU, डॉक्टर एम अंगामुथु इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो एपीडा के चेयरमैन है। क्या है? एपीडा के चेयरमैन। इसका शुभारंभ किया क्यों गया है तो लिख लो मेरे दोस्तों, खाद्य, क्या? याद रखना जितना भी हमारा खाद्य प्रोग्राम होता है, खाद्य जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं प्रोग्राम, इनसे याद रखना आहार के तहत असीम संभावनाओं को बाहर निकालना। किसको? असीम संभावनाओं को बाहर निकालना। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मान लो एक किसान का बेटा है, एक किसान का बेटा है वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट है, वो सुबह उठता है पापा का साथ देता है, कवर क्लास करता है, आगे बढ़ जाता है और दिन में स्ट्रेस में रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं अपने घर की मजदूरियों को दूर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसका कुल मिला के ये अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर इसी प्रकार से आहार के तहत अपना देश जैसे गेहूं उत्पादन करता है, ईख बनाता है, जो भी उत्पादन करता है, कहता तो है, लेकिन एपीडा ने जब आहार का उत्पादन आहार को लॉन्च किया तो किसानों को और संभावनाएं बताई जाती है कि हम लोग खेती और किस प्रकार से कर सकते हैं जिनकी आपकी असीम संभावनाएं और बढ़ जाएं और आप हमारा देश आयात, मतलब कुल मिला के आयात किसी चीज को ना कर पाए, उल्टा बेचे ही अपने देश से, तो किसी से कुछ लेने की जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार का आपको ये पूरा सेटअप याद रखना है। सर ये कितना बड़ा होगा तो याद रखना ये एशिया का सबसे बड़ा, ये एशिया का सबसे बड़ा इवेंट था। याद रखना ये एशिया का ये सबसे बड़ा, ये एशिया का क्या था? सबसे बड़ा इवेंट था। इसका शुभारंभ कब से कब तक किया गया तो याद रखना है 25 तारीख से 26 अप्रैल के मध्य में इसका शुभारंभ किया गया। इतनी बात याद रखोगे किसके द्वारा किया गया? एपीडा के द्वारा। इसमें भारत के राज्यों के टोटल 130 GI टैग शामिल थे।
123 याद रखना, 123 जीआई टैग जिन प्रोडक्ट को प्राप्त हुआ है वो सारे प्रोडक्ट भी इसमें शामिल थे जीआई टैग के। इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना हमारे मेले का, टॉपिक कवर करते हैं पूरे के पूरा मेला। सबसे पहले आहार अप्रैल 26 तारीख से क्या बताया हमने आपको, 25 से 26 तक इसका शुभारंभ किया गया। इवेंट कब तक चलेगा, इवेंट चलेगा 26 तारीख से 30 तारीख तक, कहां, नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ दे सरस अजीव का मेला, ये भी उसी के तहत है, सरस अजीव का मेले का शुभारंभ कहां किया गया, तो नोएडा हाट उत्तर प्रदेश के अंदर। याद रखोगे, क्या याद रखना है, पेन कॉपी से हर चीज लिखते रहना। सरस अजीव का मेला कहां पर शुभारंभ किया गया, नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के द्वारा बिहार में आदिवासी मेले का शुभारंभ किया गया जिसका नाम क्या है, मतलब उड़ीसा ने अपने सबसे पुराने आदिवासी मेले का शुभारंभ अभी हाल में किया, नाम क्या है, आदिवासी मेला 2021 किसने किया था, उड़ीसा के द्वारा। अगला है, अभी हाल में ड्रोन मेले का शुभारंभ कहां किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया नगर विमानन मंत्री के द्वारा कहां किया गया, ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में ड्रोन मेले का शुभारंभ किया गया था। अगला पूछ दिया जाए, तेलंगाना के द्वारा जात्रा एक प्रकार के मेले का शुभारंभ किया गया जो एक प्रकार के हमारे उत्तराखंड में लगता है, बिहार में कौन सा लगाया गया, गया था, हमेशा इलाहाबाद में लगता था लेकिन अब की बार उत्तराखंड में लगाया गया, कौन सा मेला जल्दी बताओ, कौन सा मेला लगाया जाता है, उसके बाद ये दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेला होता है, ठीक है, जल्दी बताओ किस नाम से जाना जाता है। माधवपुर मेला याद रखना गुजरात के अंदर लगाया जाता है। अगला है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये कहां मनाया जाता है, हमारे हरियाणा के अंदर। कश्मीर पंडितों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है खीर भवानी फेस्टिवल, नाम क्या है, खीर भवानी फेस्टिवल, ये कहां मनाया जाता है मेले के रूप में, जम्मू कश्मीर के अंदर। सर अंबुवाची मेला कहां मनाया जाता है, असम के अंदर, नाम क्या है, अंबुवाची मेला। अगला पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का शुभारंभ कहां किया गया, मार्च 9 से 11 मार्च तक इसका शुभारंभ नई दिल्ली के सदर बाजार में किया गया था। टेक कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ कहां किया गया, जो स्टार्टअप मेला है, इसका शुभारंभ 3 से 4 मार्च के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये 2022, 21, 19, 20 तक के सारे मेले हैं जो अब तक मनाए गए, और एग्जाम में आपके कोई ना कोई मेला आ जाए तो आप लोग सीधा निशाना लगा सको, क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बोलो समझ में आया, ये होता है कॉन्फिडेंस क्वेश्चन में। अगला एक और रह गया, अभी हाल में सामर्थ मेले का शुभारंभ, सामर्थ याद रखना एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा, यह एक प्रकार का प्रोजेक्ट था, एक प्रकार का कार्यक्रम था सामर्थ, तो याद रखना इसका शुभारंभ एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। एक और रह गया डोनेट अप पेंशन, इसका शुभारंभ किया गया था रोजगार मंत्रालय के द्वारा, डोनेट अप पेंशन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर हमारा आज का पांचवा, हाल में किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब अपने नाम किया है, तो सबसे पहले याद रखना इनका नाम क्या है, आंद्रे रूबलेव इसका नाम है, नाम क्या है आपको याद रखना है, इनका जो नाम हो जाता है आंद्रे रूबलेव, याद रखना नाम क्या है इनका, नाम इनका हो जाता है आंद्रे रूबलेव इनका नाम हो जाता है। इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता जीती और किस देश के रहने वाले हैं, रशिया, फ्रांस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, तो आपको याद रखना है ये रशिया के रहने वाले हैं। ये कहां के रहने वाले हैं, तो आपको याद रखना है ये रशिया के रहने वाले, यहाँ के डेनियल मेदवेदेव हैं, तो याद रखना रशिया। सर जी हराया किसको है, अगर पूछ दिया जाए हराया किसको है, तो याद रखना इन्होंने 6-0, 6-2 और 6-3 से हराया, कितने 6-0, 6-2 और 6-3 से लगातार तीन प्रतियोगिता में बराबर के तहत इन्होंने क्या दी है, इनको हराया है। सर हराया किसको, तो अच्छी तरीके से आप जानते हो, हराया है नोवाक जोकोविक को, किसको हरा दिया, याद रखना नोवाक जोकोविक किस देश से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच हमारे सर्बिया से बिलोंग करते हैं, कहां से, सर्बिया से, और सर्बिया से बिलोंग तो करते हैं लेकिन इन्होंने ग्रैंड स्लैम की चारों प्रतियोगिताएं 2021 में जीती थी, तो कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जो इन्होंने जीती थी। यहीं पर एक क्वेश्चन निकलता है किसकी प्रतियोगिता थी, ये याद रखना
ओपन, ये जो ओपन प्रतियोगिता होती है ओपन टेनिस, ये जो हमारी ओपन टेनिस प्रतियोगिता होती है किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना ये टेनिस से ही संबंधित है। इससे ये टेनिस, टेबल टेनिस भी नहीं, ये टेनिस से संबंधित एक प्रकार की प्रतियोगिता है। इसी के संबंध में आपको याद रखना है अब की बार का जो महाराष्ट्र ओपन है इसको रिस्पॉन्सरशिप किसने किया है, महाराष्ट्र ओपन को रिस्पॉन्सरशिप किसने दी है, पहली बार कोई रिस्पॉन्सर बना है तो याद रखना टाटा के द्वारा। किसने दी है, टाटा ने आपकी बार इसको रिस्पॉन्सरशिप दी है। यहां से हम लोग टॉपिक पूरा कवर करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैंड स्लैम स्लैम प्रतियोगिताएं, ग्रैंड स्लैम SLAM ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यहां से हम लोग पूरी करेंगे कवर एक तरफ से बड़े आराम से। ये क्वेश्चन नोट हुआ बिल्कुल वन लाइनर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कौन सी प्रतियोगिता थी, सर्बिया ओपन प्रतियोगिता है और सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच को हरा दिया रशिया के रहने वाले आंद्रे रूबलेव ने। इसी प्रकार से ये रहे हमारे चैंपियन रहे हैं, नाम है इनका आंद्रे रूबलेव, ठीक है। इसी प्रकार से 2022 में फाइनल में दो पहुंचे थे, नोवाक जोकोविच और हमारे आंद्रे रूबलेव। इसी प्रकार से अगर पूछ दे मियामी ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, एक और लिख लो अलग से मियामी ओपन 2022 जो रिसेंटली अप्रैल मार्च अप्रैल में क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, कार्लेस एल्काराज ने जीता, ये किस देश के रहने वाले हैं, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। सर ये किस देश के रहने वाले हैं, याद रखना ये नॉर्वे देश में रहने वाले हैं, इनका नाम है कार्लेस एल्काराज, इन्होंने मियामी ओपन 2022 का खिताब गुरुजी हमारे नाम किया था। अब एक बार सभी लोग मिलके ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं कितने प्रकार की होती है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं इसमें चार इवेंट होते हैं, कितने इवेंट होते हैं याद रखना है, इनमें चार इवेंट प्रॉपर तरीके से होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, नंबर दो पे जाओगे तो याद रखना नंबर दो पे होता है हमारा फ्रेंच ओपन, नंबर तीन पे होता है याद रखना नंबर तीन पे होता है विंबलडन, नंबर चार पे होता है जिसका नाम है हमारा US ओपन, कौन सा याद रखना है, ये होता है नंबर एक पे, नंबर दो पे हमारा होता है श्रेणी में याद रखना फ्रेंच ओपन, नंबर तीन पे आयोजित किया जाता है विंबलडन, नंबर चार पर आयोजित किया जाता है US ओपन, अलग अलग इवेंट में। सर कौन सा 2020 में हो चुका, 2021 में याद रखना चारों संपन्न, 2021 के चारों प्रॉपर तरीके से संपन्न किए गए थे, लेकिन अगर पूछ दिया जाए 2022 में कौन सा हुआ है संपन्न, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन कंप्लीट हो चुका, ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या हो चुका अभी हाल में कंप्लीट हुआ है, इसके बाद और कोई आयोजित अभी हाल में नहीं हुआ, एक हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सर जी बताओ जल्दी से, तो श्रेणी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और हमारा US ओपन श्रेणी हो गई। अब लिखो एक तरफ से, लिखना नहीं है समझना है, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ ना मिले तो कह देना सर पीडीएफ दो चाहे कुछ भी हो जाए गोली मार देंगे, है ना ऐसा, पीडीएफ मेरी बहुत जरूरी है, जितना आप सोच सकते हो उतना जरूरी, फ्री है आराम से मिल जाएगी, क्योंकि इस पीडीएफ को पता नहीं कहां कहां तक भेजना पड़ता है हमको। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये स्टार्ट हुआ था 1905 में पहली बार, किस पर खेला जाता है, हार्ड सरफेस पे खेला जाता है सर जी, किस पे खेला जाता है, हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, लोकेशन का मेलबर्न पार्क में, जो जो ओलंपिक का मेजबान शहर भी है मेलबर्न पार्क, कहां पर है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। मैन सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, सर्बिया के रहने वाले थे, और वुमन सिंगल का खिताब जीता था जापान की नाओमी ओसाका के द्वारा जो जापान के रहने वाली है, ये 2021 का था। 2022 का किसने जीता है, राफेल नडाल ने जो नोवाक जोकोविच को हराकर, स्पेन के रहने वाले राफेल नडाल, इन्होंने मेंस सिंगल का खिताब जीता 2022 का, वुमन सिंगल खिताब एस्ले बार्टी ने जीता जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया के रहते हुए एस्ले बार्टी ने पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल ओपन वुमेन्स सिंगल ओपन का खिताब जीता, यह इनका तीसरा खिताब था और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन था, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब ये इन्होंने संन्यास ले लिया है टेनिस ओपन से। समझ में आई बात, ये सिर्फ एक हुआ था अब तक, ये हिंदी में घर पे पढ़ लेना। इसी प्रकार से फ्रेंच ओपन, हिंदी में पढ़ते हैं ज्यादा समझ में आएगा आपको, फ्रेंच ओपन स्टार्टिंग 1891 में, तहत सतह किस पे खेला जाता है, मट्टी में खेला जाता है, स्थान कहां पे, स्टैंड रोनाल्ड गैरोस, ये पेरिस फ्रांस में स्थित है, पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने सर्बिया के रहने वाले 2021 में, अकेली महिला का खिताब किसने जीता, एकल महिला तो बारबाडोस क्रेकेजोवा ने, ये कहां की रहने वाली है, चेक गणराज्य की। अगला है विंबलडन, स्टार्ट होता है 1877 में, तहत किस पे, किस सतह पे खेला जाता है, घास पे खेला जाता है, स्थान सर जी ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब,
लंदन में स्थित है वहां खेला जाता है। विंबलडन, विंबलडन किससे संबंधित है? लंदन से। पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता, सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला एकल खिताब एस्ले बार्टी ने जीता, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली थी। अगला लास्ट रह गया यूएस ओपन, सबसे लास्ट में हुआ है। यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ, सतह कठोर पे खेला जाता है। स्थान यूएसटीए बिली जेन किंग नेशनल टेनिस सेंटर, न्यूयॉर्क शहर यूएस में खेला जाता है। पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव रसिया के द्वारा जीता गया। एकल महिला का खिताब एम्मा राधू कानू के द्वारा जीता गया, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। नोट करो, हमने आपको सारी की सारी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं याद करा दी हैं, सारी की सारी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता याद करा दी हैं। आज का सर्बिया ओपन याद करा दिया, मियामी ओपन 2022 करा दिया, जो किसने जीता? कार्लेस अल्काराज के द्वारा जीता गया, जो कहां के रहने वाले हैं? जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। बोलो, अच्छा अंदर से फील हो रहा है, मजा आया, आगे बढ़े। चलो सर जी, अगला क्वेश्चन आज का छठवां। हर क्वेश्चन का टॉपिक मेरे दोस्त, हर क्वेश्चन का टॉपिक, निम्न में से किस देश के कैक्सियस डू सोल में 24वीं ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा? ओलंपिक और पैरालंपिक की पीडीएफ आज इसी सेशन में ज्वाइंट मिलेगी आपको, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा 24वां ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स, पहले कब हुआ था, सब कुछ पढ़ेंगे, हर डिटेल पढ़ेंगे आराम से। सर जी, इसको होस्ट करेगा कौन? तो याद रखना, इसको अब की बार ब्राजील के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। अब की बार ये कौन सा होगा? तो याद रखना है आपको, अब की बार हमारा 24वां एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा? अब की बार हमारा ये 24वां एडिशन होगा। इसको होस्ट करेगा कौन? तो इसको होस्ट याद रखना, ब्राजील के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ब्राजील के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और कब होस्ट किया जाएगा? याद रखना, मई के महीने में इसको होस्ट किया जाएगा। सर जी, 24वां संस्करण किस प्रकार का है? इसको सर जी बधिर क्यों कहा जाता है? डीफ। तो याद रखना, इसको कहा जाता है डीफ, DEAF, डीफनेस से संबंधित है, यानी कि कुल मिलाकर पैरालंपिक के बराबर है। LYMPIC, पैरालंपिक में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? हाथ पैरों से उनकी उन्हें दिक्कत होती है। यहां पर लोग ऐसे होते हैं जिनको जिनको कानों से सुनाई नहीं देता। किससे सुनाई नहीं देता? इनको कानों से सुनाई नहीं देता, इस बात को आप लोग याद रखना, क्लियर है? यहां पर सर कितने खेल होंगे? तो सबसे पहले याद रखना, टोटल स्पर्धाएं 209 इवेंट होंगे, कुल मिला के 209 इवेंट होंगे। कितने स्पोर्ट इसमें शामिल है सर जी? SPORTS स्पोर्ट याद रखना, टोटल 17 ऐसे स्पोर्ट हैं जो इसमें शामिल होंगे। और ये पैरालंपिक और ओलंपिक में दोनों हमने आपके लिए बताया था। भारत का दल अभी हाल में अपने भारत से भेजा गया है, भारत के कुल कितने लोग भेजे गए हैं? तो याद रखना मेरे दोस्तों, टोटल भारत के तहत जो लोग गए हैं वो गए हैं आपके 39 भारत की तरफ से। याद रखना, भारत की ओर से खिलाड़ी पूछ दिए जाए तो याद रखना 39 यहां पर मैन भेजे गए हैं और यहां पर 26 वुमेन भेजी गई हैं। टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 26 है। पुरुषों की संख्या कितनी है? 39 टोटल यहाँ पे पुरुष है। और ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल होगा जो बधिर ओलंपिक 2022 में भाग लेगा, जिसका आयोजन ब्राजील के अंदर किया जा रहा है, जो 24वां संस्करण है। सर, भारतीय अध्यक्ष का नाम क्या है? अगर पूछ दिया जाए सर जी, भारतीय अध्यक्ष, भाई साहब ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय अध्यक्ष का नाम क्या है? ठीक है, भारतीय अध्यक्ष तो याद रखना दीपा मलिक। नाम क्या होगा इनका? दीपा, MALIK, दीपा मलिक इनका नाम है, जो भारत से संबंधित हैं। कहां के हैं? भारत से हैं। अब स्टार्टिंग करो सर जी, डीफ ओलंपिक होता कब स्टार्ट है? नोट करो दोस्तों, शुरुआत किसकी? यहां से होती है पूरी हिस्ट्री की शुरुआत, जो शायद ही आपने अब तक कवर की हो। डीफ ओलंपिक, DEAFOLYMPIC, ओलंपिक स्टार्ट कब होता है? 1896 से, एथेंस ग्रीक में। लेकिन डीफ ओलंपिक स्टार्ट होता है 1924 से, किस प्रकार का? याद रखना, समर, SUMMER, समर। इसका पहला संस्करण, फर्स्ट एडिशन कहां पर आयोजित किया गया था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही इसका
पेरिस में इसके प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था। यहीं पर पूछ दे सर जी विंटर का शुभारंभ, भाई साहब यहीं लिख लो, समर के साथ साथ अगर यहीं पूछ दे विंटर प्रतियोगिता का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, 1949 में विंटर डीफ ओलंपिक स्टार्टअप किया गया, किस देश ने होस्ट किया, ऑस्ट्रिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, AUSTRIA, ऑस्ट्रिया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। हर चीज होगी ऐसी जिससे आप होंगे बेखबर, लेकिन एग्जाम होगा खबर में खबर। तो ये सारा चीजें याद रख ली आपने, आगे बढ़े, पूरी हिस्ट्री नोट करा रहे हैं आपको हम। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे 24वां डीफ ओलंपिक में, यहां से महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ पदक तालिका वगैरह इनकी सारी है भाई साहब। तो एक तरह से पहले स्टार्ट हो जाओ, 2022 में याद रखना, 2022 में ये कौन सा संस्करण होगा, 24वां संस्करण होगा, होस्ट करेगा किसके द्वारा, ब्राजील के द्वारा। ये चीज दोबारा लिख ली आपने, अब यहीं पे लिख लो सर जी 25वां संस्करण कौन होस्ट करेगा, 25वां संस्करण याद रखना जापान के द्वारा होस्ट किया जाएगा। यहीं पर लिख लो दोस्तों कौन सा, विंटर के बारे में यहीं पर लिख लो, विंटर जो होगा अगला कब होगा, तो अगला आपका भाई साहब अगले सेशन में होगा, यानी कि विंटर 2022 में नहीं होगा, 2023 में होगा विंटर ओलंपिक। सर कौन सा संस्करण पूछ दिया जाए 2023 में, तो 20वां संस्करण याद रखना 20वां। ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, कनाडा के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए सर जी मेडल टेबल के बारे में बताओ, मेडल टेबल याद रखना MEDAL, मेडल टेबल, जैसा ओलंपिक कवर किया था ऐसा हम आपको पूरा का पूरा ये सेशन कवर करा रहे हैं। सर जी पहला देश कौन सा है मेडल टेबल, मेडल टेबल में जो प्रथम स्थान पर है, एक हमारा USA है, सर जी नंबर दो पे कौन है, तो हमारा रशिया नंबर दो पे आता है, नंबर तीन पे तो याद रखना सोवियत यूनियन, नंबर तीन पे कौन आता है, सोवियत जो यूनियन है ये नंबर दो पे आती है। अब पूछ दिया जाए हमारा भारत सर जी कौन से नंबर पे है, याद रखना हमारा जो भारत है ये पदक तालिका, हिंदी में मेडल टेबल को कहते हैं पदक तालिका, क्या कहते हैं, पदक तालिका के रूप में जानते हैं। अब यहां पे लिखो भारत का स्थान पदक तालिका में 28वां है, अपना भारत पदक तालिका में 28वें स्थान पर आता है, लेकिन ओलंपिक में अपना भारत 48वें स्थान पर जाता है। भारत ने अब तक कुल गोल्ड कितने जीते हैं, भारत ने अब तक कुल गोल्ड जो जीते हैं टोटल 18 गोल्ड जीते हैं डीफ ओलंपिक में। इसके साथ में टोटल सर जी सिल्वर मेडल कितने जीते हैं, टोटल सिल्वर मेडल भारत के द्वारा जीते गए अब तक 13, और एक और रह गया जिसको हम लोग ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं, ब्रॉन्ज मेडल भारत के द्वारा कितने जीते गए हैं, सॉरी ब्रॉन्ज जीते गए हैं 13 और सिल्वर मेडल भारत के द्वारा जीते गए हैं 8, कितने 8। टोटल मेडल भारत के द्वारा कितने जीते गए हैं, TOTAL, तो टोटल भारत ने अब तक 39 मेडल जीते हैं, किसमें सर जीते हैं, तो आपको याद रखना है डीफ ओलंपिक में। बोलो आज तक इतना कायते में आपने पूरा डीफ ओलंपिक पढ़ा है, टोटल स्टूडेंट क्लास में 345 है, दिल खोल के मेरे दोस्तों याद रखना हर चीज छोटी से छोटी। और सर क्या बताओगे, ओलंपिक और पैरालंपिक की पीडीएफ विथ मेरी हैंड रिटन नोट्स के साथ में जो हमने पढ़े हैं आज इसी पीडीएफ में नीचे अटैच करके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा इतिहास कवर किया दोस्त, ये पूरा इतिहास कवर कर लिया, अब क्या करें, अब बढ़ते हैं आगे। आगे कहां बढ़ना है, बस इतना ही था, एक क्वेश्चन लिख लो ब्राजील से, और ब्राजील से बहुत ही गजब क्वेश्चन है, सिटियो बर्न मार्क्स कहां पर स्थित है ब्राजील में, इसको भी हाल में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में बिहार में नामित किया गया है, किसको, ब्राजील का है, नाम है सिटियो बर्न मार्कर्स। इसी के साथ पूछ दे मलयाली जनजाति, याद रखना मलयाली नहीं, यानोमामी, नाम क्या है, यानोमामी, लिख लो कॉपी में, यानोमामी जो एक प्रकार की जनजाति है वो कहां से बिलोंग करती है, यानोमामी जनजाति याद रखना ये हमारे ब्राजील से बिलोंग करती है, ब्राजील से बिलोंग करती है। यहां पर COVID-19 सबसे ज्यादा जनजातियों के अंदर फैला था, कहां, यहां पर। इसी के साथ एक क्वेश्चन लिख लो, इसका उद्घाटन कौन करेगा ब्राजील में, उद्घाटन अगर पूछ दिया जाए, उद्घाटन सर जी कौन करेगा, जेर बोल्सोनारो, JAIR बोल्सो, BOLSA बोल्सोनारो, बोल्सोनारो के द्वारा, ये जो यहाँ के प्रेसिडेंट है इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसी प्रकार से एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह, याद रखना AMAJONIA, एमेजोनिया एक प्रकार का उपग्रह है, ये ब्राजील का उपग्रह है, इसको इसरो के द्वारा
इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं ना यहाँ पे, यहाँ इसलिए, इसी से सटा हुआ देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दुनिया का पहला देश है जिसने अरबपतियों पर टैक्स नामक एक टैक्स को अभी हाल में लगा दिया है। इस टैक्स को भी आप लोग याद रखना, और एक बार अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, लगा हो कि सर वाकई आपने कंटेंट दिया है, तो शर्त है मेरी तो शेयर करना या लाइक करना, नहीं तो मत करना, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ते रहो बस, पर शेयर करने ज्यादा पढ़ने पर ध्यान देना, क्योंकि मेरा देखो आप लोग सभी जानते हो हर इंसान आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ मेहनत करता है, हम भी करते हैं आप लोगों के साथ में, मेरे सहारे आप बढ़ो, आपके सहारे हम बढ़े, ठीक है। मेरा जो काम है वो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका भी मेरे प्रति कोई काम बनता है तो कर सकते हो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है, कोई बात नहीं है ना, पढ़ते रहो आराम से। हाँ लेकिन लाइक जरूर कर देना है, जब लाइक करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, शेयर करो ना करो, व्यूज बढ़े या ना बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन लाइक जरूर कर देना। हाल में किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली मेगे ने चैंपियंस परियोजना के रूप में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता, ये अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, लिख लो कॉपी में, लिखना क्या है, खुडोल परियोजना, KHUDOL, खुडोल एक प्रकार की परियोजना है, खुडोल परियोजना है जिसका शुभारंभ COVID-19 के मध्य किया गया, इसका शुभारंभ COVID-19 के मध्य किया गया। खुडोल परियोजना को मणिपुर सरकार ने लॉन्च किया था, मणिपुर सरकार ने लॉन्च किया था, इसको यूएन की टॉप टेन पहलों में शामिल हुई थी, नाम है इसका खुडोल परियोजना। एग्जाम में पूछी जा सकती है खुडोल परियोजना किस राज्य से संबंधित है, याद रखना ये हमारे मणिपुर संबंधित है, इसको यूएन की टॉप 10 परियोजनाओं में शामिल किया गया था। सर जी ई प्रस्ताव मेघे किस राज्य का है, तो मेघे याद रखना ये एक प्रकार का मेघालय का प्रोजेक्ट है। सर इसमें क्या है मेघे में, तो MEGHEA मेघे इस प्रकार से लिखना, ये है मेघा, ये क्या है मेघा या मेघे, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, इसका मतलब क्या होता है सर जी, तो याद रखना आर्किटेक्चर या पूरा लिख लो MEGHEALAYA मेघालय एंटरप्राइजेस मेघालय ENTERPRISES मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर ARCHITURE आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन TNTIUN इम्प्लीमेंटेशन इसका फुल फॉर्म होता है। सर इसका प्रयोग क्या है ये बताओ, इंग्लिश में तो आपने बता दिया, लॉन्च हुआ था 2019 में किस सरकार के द्वारा, मेघालय सरकार के द्वारा। सर इसका होता क्या है, तो याद रखना ये राज्य के अंदर शांति के रूप में काम करता है, ये राज्य में याद रखना, ये इसका संस्करण पूछ दिया जाए सबसे पहले याद रखना, संस्करण किसका, अवार्ड का, संस्करण अवार्ड का, तो ये 11वां संस्करण होगा जो 2022 का था, किसका 2022 का 11वां संस्करण था। मेघे परियोजना जो किस प्रकार की परियोजना है, चैंपियंस परियोजना है, राज्य में शिक्षा हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, याद रखो यहीं पर, चाहे राज्य के अंदर सब्जी क्या हो, चाहे राज्य के अंदर शिक्षा हो, चाहे राज्य के अंदर स्वास्थ्य हो, राज्य के अंदर स्वास्थ्य हो और सभी को प्रॉपर तरीके से राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए मेघे परियोजना को 2019 में मेघालय सरकार ने लॉन्च किया था, जिसके लिए अभी हाल में किसको, तो याद रखना अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार दिया गया है मेघे परियोजना को, मेघालय के अंदर, कहां पर, मेघालय के अंदर। ये भारत की एकमात्र परियोजना है जो इसमें शामिल हुई है। टोटल कितने शामिल हुए, टोटल 360 परियोजनाओं को शामिल किया गया था, एकमात्र भारतीय है जिसका नाम हो जाता है मेघे मेघालय, याद हुआ सर जी, हाँ हुआ। अब बढ़ते हैं मेघालय की प्रस्तावित करंट अफेयर एक नजर सब कवर स्टार्ट, सबसे पहले मेघा हो गया, हाँ सर जी हो गया, आगे भारत में अभी हाल में किसने युवाओं के लिए यूथ पॉलिसी को लॉन्च किया, YOUTH यूथ POLICE लिख लो, यूथ पॉलिसी को लॉन्च किया था हमारे मेघालय के द्वारा, यूथ पॉलिसी को किसने लॉन्च किया था, MEGHEALAYA मेघालय के द्वारा। अगर सर हमसे पूछ दिया जाए MSEND पॉलिसी कौन सी, MSEND पॉलिसी को किसने लॉन्च किया, तो फिर से लिख लो कॉपी में, MSEND पॉलिसी को हमारे राजस्थान के द्वारा खुदाई के लिए लॉन्च किया गया है। अगर पूछ दिया जाए आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल POLICY
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किसने लॉन्च की है? याद रखना, दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के द्वारा सर सोलर पॉलिसी किसने लॉन्च कर दी है? SOLAR, सोलर POLICY, सोलर पॉलिसी किसने लॉन्च की थी? तो याद रखना, गुजरात के द्वारा। ऐसे तमाम टॉपिक, चार टॉपिक कवर हुए एक पॉलिसी से। मजा आया? आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है। अभी हाल में मेघालय के साथ में किस राज्य ने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों ने बिहार में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। किस दिन मनाया? तो याद रखना, जनवरी 21 को। 21 जनवरी को तीन राज्य, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जो एक प्रकार के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो जाते हैं। कैसे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अगला क्वेश्चन, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज को भी हाल में घोषणा की गई थी कि मुझे जोड़ लो, मुझे जोड़ लो, किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, लेकिन जोड़ा नहीं गया इसको, टेंटेटिव यानी कि प्रस्तावित लिस्ट में डाल दिया गया। हो सकता है जोड़ लिया जाए, और लिख लो कॉपी में, मेरा वादा है ये जो टॉपिक है यूपीएससी में 100% ये टॉपिक एग्जाम में आएगा, देखना 100% ये मेरा वादा है, क्योंकि हम इसको पूरा पढ़ चुके हैं इसीलिए। अगला, मेघालय राज्य में भारत ने बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी टू टीरोड सिंह की स्मारक स्थापित करने के हाल में मंजूरी दे दी है। नाम क्या था इनका? स्वतंत्रता सेनानी यू टीरोड सिंह। ये किससे संबंधित थे? ये ट्राइब से संबंधित थे, जैसे हमारे अर्जुन मुंडा थे। अगला क्वेश्चन, मेघालय भारत का, हाय हाय इधर मत दिखाओ नहीं तो ये लोग पढ़ेंगे नहीं, है ना? तो याद रखना, मेघालय भारत का 9वां ऐसा राज्य बना है जिसने सीबीआई की शक्तियों पर रोक लगा दी। किसकी? सीबीआई की शक्तियों पर रोक लगाने वाला भारत का 9वां राज्य कौन सा बना? मेघालय। सर पहला कौन सा बना था? लिख लो कॉपी में, केरल भारत का पहला राज्य है जिसने महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने सीबीआई की शक्तियों पर रोक लगा दी है। पहले चीफ मिनिस्टर के पास आओ, फिर राज्य में जाओगे। ऐसे ही क्या करते थे, किसी को भी जब मर्जी तब उठा के ले आते थे, अब नहीं ला पाएंगे। तो सर अब क्या करेंगे, अब इनको प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, ये लो भाई साहब पूछ के लाएंगे किसी को भी। लो यार तुम देख लो, है ना, देख लो, देख लिया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, सिडबी के द्वारा अभी हाल में, सिडबी ने भी हाल में मेघालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सिडबी ने, और यह हस्ताक्षर करने वाला 6वां राज्य बना है। कौन सा 6वां? सर जी पहला राज्य कौन सा बना था? पहला बना था तमिलनाडु, लिख लो कॉपी में। अगला क्वेश्चन आता ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां, ये क्या कह रहा है देखो, 8वां 9वां 10वें वे सारे रेडियो कवर करेंगे, ठीक है भाई। किस देश में रॉबर्ट गोलोब को ऐतिहासिक जीत के बाद देश के नए प्रधानमंत्री? लिखो कॉपी में, क्या सर आज का टॉपिक कवर, कौन सा प्रधानमंत्री? अब तक जितने बने हैं ना सारे कवर, एक नजर जिससे आप हो बेखबर। सबसे पहले, हाल में किस देश में रॉबर्ट गोलोब को ऐतिहासिक जीत के बाद देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया? अच्छी बात है भैया, लेकिन रॉबर्ट गोलोब ने एक ऐतिहासिक जीत, सर ये इसका मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक जीत का मतलब भाई साहब, ऐतिहासिक जीत इन्होंने जीती है स्लोवेनिया नामक देश में। किस देश में? स्लोवेनिया नामक देश में। यहां पर पहले से प्रधानमंत्री थे जेनेस जनसा, जेनेस, याद रखना नाम क्या था इनका, जेनेस जेनेसा इनका नाम था। ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे, कितनी बार याद रखना, यह लगातार तीन बार प्रधानमंत्री रहे। और अभी हाल में अब क्या हुआ है सर, ये प्रधानमंत्री पद से अभी हाल में हार गए, ठीक है, ये अभी हाल में क्या हुआ, ये प्रॉपर तरीके से हार गए हैं, इनके पास लगभग 21% वोटों के साथ में, बाकी परसेंट 6% लोगों ने साथ नहीं दिया, वोट नहीं डाले, बाकी लोगों ने रॉबर्ट गोलोब किसको, तो याद रखना बाकी लोगों ने ROBERT रॉबर्ट गोलोब GOLOB रॉबर्ट गोलोब क्या बने हैं यहाँ इस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में बिहार ने शपथ ग्रहण की है। किस देश में सर जी? स्लोवेनिया। किस देश में? स्लोवेनिया देश में। और एक और बात लिखो कॉपी में, शायद आपने नोट नहीं की होगी, लेकिन मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद भीड़ में जाना नहीं है, मेरा मकसद है वो काम करो जिससे
मतलब एक आवाज ऐसी उठा दो जो भीड़ के बराबर हो, ठीक है? मतलब खुद को इतना काबिल कर दो काफले आपके पीछे हो। तो नोट करो, हम आपको प्रॉपर तरीके से डेली स्टेट का राज दर्शन कराते हैं और डेली एक राज दर्शन के साथ आपके पास सारे राज आ जाएंगे और हम आपको सारे कंट्री करवाते हैं। लेकिन आपने आज तक मेरी बात को शायद दिल पे नहीं लिया होगा कि कोई ऐसा भी टीचर है जो जाने अनजाने में हम लोगों को बहुत कुछ दे रहा है, कभी नहीं सोचा होगा। कैसे? ये सबसे पहले इनके बाल नहीं है, रॉबर्ट गोलोब इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया। और इस प्रकार से ये स्लाइड हमेशा आती है आपके लिए। क्यों आती है? ताकि स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ में आप हर दिन एक देश को रखते रहो, हर देश की नॉलेज को, मैप पूरा ग्लोब में कहां पर है, किस कॉन्टिनेंट में है, कौन सा देश है, कितना महत्वपूर्ण है, देते हैं ना। लेकिन आप में से कुछ ही ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास मैसेज भी करते हैं, सर आज आपने ये देश कराया, मेरी लिस्ट में ये देश शामिल हो गया। ये इतने महत्वपूर्ण बनेंगे, आगे चल के देखना कितने में एग्जाम दोगे ना, बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे ये आपके लिए। तो रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया सर किस महाद्वीप में स्थित है? सेंट्रल यूरोप में। ये किस एग्जाम के लिए? लेखपाल हो गया, एमटीएस हो गया, इन लद्दड़ एग्जाम के लिए, ग्रुप डी हो गया, इनमें पूछा जाता है किस महाद्वीप में हाल में चर्चित देश, ऐसे क्वेश्चन। कैपिटल क्या है इसकी सर जी? तो ये आपको याद रखना है, ल्यूब्लाजना यहाँ की कैपिटल का नाम है। करेंसी यूज होती है यहाँ पर यूरो। प्रेसिडेंट का नाम है बोरोट पहर। प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं जाने जोनसा, ये प्रधानमंत्री थे भाई साहब, अब प्रधानमंत्री बदल गए हैं। नेशनल गेम का नाम क्या है? आइस हॉकी यहाँ पर नेशनल गेम खेला जाता है। इंडियन एम्बेसडर भारत के राजदूत का नाम क्या है, जो किस देश में? स्लोवाकिया में है, श्री मनोज कुमार। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल में चर्चित देश स्लोवेनिया में भारत के राजदूत का नाम क्या है? तो श्री मनोज कुमार इनका नाम है। भारत ने स्लोवेनिया से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कब किए ट्रेड के लिए? तो 1983 से भारत ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ट्रेड के लिए स्लोवेनिया नामक देश में। किस कॉन्टिनेंट में है? तो याद रखना है सेंट्रल सेंट्रल यूरोप में आपका आता है। सेंट्रल यूरोप वही, यानी कि यूरोप दुनिया का वो ऐसा महाद्वीप है जहां पर ग्रीन विच मीन जो रेखा है वो गुजरती है, और दूसरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है जहां पर ये रेखा जाती है, ठीक है? ये बात आप लोग मिलकर याद रखना, ठीक है? इतनी बात याद रखोगे गुरु जी आगे बढ़े बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई साहब, सारे राष्ट्रपति यहाँ पर लटके हुए हैं, कुछ प्रधानमंत्री भी लटके होंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। मिया मोटले नाम इनका है, और इनके नाम से इनका चेहरा देखा नहीं जाता। मिया मोटले इनका नाम है। ये दूसरी बार क्या बनी है? प्रधानमंत्री बनी है। किस देश की? बारबाडोस की। लिख लो, बारबाडोस की द्वितीय प्रधानमंत्री दूसरी बार बनी है। नाम इनका है मिया मोटले, बारबाडोस के अंदर। सर जी इटालियन प्रेसिडेंट सर्जियो मेटरेला, मतलब कि मेटरेला मोबाइल वाला नहीं, सर्जियो मेटरेला इटली के दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में बिहार में हुए हैं नियुक्त। कहां के? इटली के। होंडुरस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है जायरा कास्त्रो। नाम क्या है? जायरा कास्त्रो। पुर्तगाल में भी हाल में एक प्रधानमंत्री बने हैं नए, नाम है एंटोनियो कोस्टा। ये पुर्तगाल के भी हाल में नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला पूछ दे स्वीडन, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मैडलिना एंडरसन इनका नाम है, मैडलिना एंडरसन इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, जर्मन के प्रेसिडेंट बने हैं नए फ्रैंक वाल्टर स्टाइनर, री इलेक्टेड सेकेंड फाइव ईयर टर्म। अगले 5 सालों के लिए दोबारा से फ्रैंक वाल्टर प्रेसिडेंट बने हैं जर्मन के। अगला है यून सुक योल अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के नए प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के नाम है सुक योल। नाम क्या है? यून सुक योल। किस देश में सर जी? साउथ कोरिया में। ऐसे और भी हैं। आज के लिए इतने काफी हैं, और अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का, तब अगली बार हम आपको लिखी हुई लिस्ट देंगे। एक स्लाइड पे लगभग 15 से 20 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपडेटेड, बस उसके बाद नहीं है, उतने काफी हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा एक और है यार, एक और है। नाम इनका है सरदार बैडी, भाई साहब नाम देख रहे हो, इनका नाम है सरदार बैडी मुखमा डोग इनका नाम है, जो तुर्मेकिस्तान के नए क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। कहां के? तुर्मेकिस्तान के नए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आज का 9वां, हाल में किसे बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार में कॉनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखो भैया महत्वपूर्ण बात आपको क्या लिखनी है, आपको पता होगा शिक्षा के क्षेत्र में, तो जल्दी बताओ भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज मिला था 2020 में? जल्दी बताओ, ग्लोबल टीच
ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसको मिला और वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, जल्दी बताओ। यहां पर शिक्षा तक पहुंच में सुधार, कॉमनवेल्थ सुधार के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसको चुना गया है, तो किशोर कुमार दास को चुना गया। किसको चुना गया? किशोर कुमार दास को चुना गया। ये कहां के रहने वाले हैं तो आपको याद रखना है, ये हमारे बांग्लादेश के रहने वाले हैं, हमारे किशोर कुमार दास। अब यहां पे आती है करंट अफेयर, क्या आती है? किशोर कुमार KIS, यहाँ पे सिर्फ दास डाल लो बस। ये दास को ये अवार्ड क्यों मिला? तो मेरे भाई नोट करना, इन्होंने बांग्लादेश में अंदर 25 स्टूडेंट के साथ मिलकर एक पहल की शुरुआत की थी। किसने? इन्हीं दास के द्वारा। कब की दी थी? तो याद रखना 2013 में। उस पहल का सर नाम क्या था? तो याद रखना विद्यानंदो। नाम क्या था? बांग्लादेशी है, विद्यानंदो BIDYA विद्यानंदो इनका नाम था। इसके तहत ये शिक्षा को बढ़ावा देते थे 25 विद्यार्थियों के साथ में। उसके बाद इन्होंने फिर से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक तक है याद रखना, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक टक है आहार। इसका मतलब क्या होता है? एक टका में पेट भर के खाना मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। एक टके आहार इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इनको ये अवार्ड अभी हाल में दिया गया है। किसके द्वारा अवार्ड दिया गया? तो याद रखना कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से इनको बिहार में सम्मानित किया गया। याद रखोगे सदात रहमान, ये कहां के रहने वाले हैं? याद रखना है दोस्तों, यह भी बांग्लादेश के रहने वाले हैं, सदात रहमान इनका नाम है। स्पेलिंग गलत हो जाती, थोड़ा देख के लिखना यार जल्दी जल्दी में। याद रखना नाम क्या है, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इनको भी हाल में क्या मिला है? इनको बिहार में पीस, यानी कि कौन सा यार, ऐसा समझो पीस प्राइज मिला है अभी हाल में। कौन सा? किड पीस प्राइज, याद रखना ग्लोबल GLOBAL ग्लोबल पीस PEACE ग्लोबल पीस प्राइज मिला है। किस वर्ष का मिला है? 2020 का मिला है। 2021 का किसको मिला है? वहां जो हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं मोहम्मद यूनिफ को, याद रखना ओलंपिक OLYMPIC ओलंपिक अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? नाम इनका याद रखना मोहम्मद यूनिफ। ये कहां के हैं? बांग्लादेश के हैं। रंजीत सिंह डिस्ले को ग्लोबल टीचर प्राइज GLOBAL ग्लोबल TEACHER ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले हैं। कहां के? महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। ये बांग्लादेश और ये भी आपके बांग्लादेश के हैं। अब चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की ओर। जल्दी से एक बात बताओ, हमारे आनंद ANAND आनंद इनका नाम है, ये बिहार के रहने वाले हैं। इनकी मूवी आई थी SUPER 30 जल्दी बताओ इनको कौन सा अवार्ड मिला है? आनंद जी को कौन सा अवार्ड मिला है जल्दी बताओ। तब तक चलते हैं, किशोर कुमार दास ऑफ बांग्लादेश वॉन UK कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, इनको सम्मानित किया गया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला फॉर्मर प्रधानमंत्री जापान, ये सारे करंट अफेयर है अवार्ड से संबंधित। अगला क्वेश्चन है फॉर्मर प्रधानमंत्री ऑफ जापान सिंजो आबे ऑनर विद नेताजी अवार्ड 2022 उसको मिला है, तो सिंजो आबे को मिला है। और इसी व्यक्ति को क्या मिला है? पद विभूषण से भी सम्मान किया गया, प्रथम अन्य देश के प्रधानमंत्री जिनको ये अवार्ड मिला हो, तो सिंजो आबे 2020 में। अभी हाल में हिलाल ए पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा किसको दिया गया है? तो ये दिया गया, याद रखना, हमारे बिल गेट्स को। नाम क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान। अगला, अभी हाल में निम्नलिखित में से किसको एक अवार्ड दिया गया? कौन सा? DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज 2022 किसको दिया गया है? तो इनका नाम याद रखना सर जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम हो जाता है, ओहो, इनका नाम क्या है यार? इनका नाम बोल रहे हैं, क्या नाम इनका है? कौन सी, यादव है या गुप्ता है? यादव है या गुप्ता है इनका नाम है यार। इनको अभी हाल में लिखा है यहाँ पे मैथमेटिक्स फॉर डेवलप कंटिन्यू हैज बीन अवार्डेड इंडियन मैथमेटिक्स सी द थर्ड वुमन रिसीव द कॉमनवेल्थ दैट गुप्ता। इनका नाम हमने कहा था ना गुप्ता है, लेकिन नाम क्या है पूरा ये भूल गए हैं।
प्रीति गुप्ता नाम है, क्या नाम है कोई कमेंट करेगा जल्दी से, इनका नाम क्या है प्रॉपर? नीना गुप्ता। क्या बात है भाई साहब, कौन है ये? भूपेंद्र जी, बहुत बढ़िया, याद रखना है इनका नाम है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को बिहार में मैथमेटिक्स के लिए रामानुजन प्राइज 2022 से सम्मान किया गया, तीसरी वुमन है इसको प्राप्त करने वाली। अगला चंद्रभान खयाल रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 उर्दू के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है चंद्रभान ख्याल को। अगला क्वेश्चन, दीपक धर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनको बिहार में बोल्टमैन मेडल से सम्मानित किया गया। अगला, बांग्लादेश की रहने वाली रिजवान हसन को भी हाल में इंटरनेशनल करेज वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया, इससे पहले ये अवार्ड किसको मिला था? इससे पहले ये अवार्ड किसको मिला था? ये मिला था आपके इससे पहले ये अवार्ड किसको मिला था? इंटरनेशनल इनकरेज अवार्ड वुमन के क्षेत्र में अपनी भारतीय महिला थी, चलो बताते हैं अभी, शकुंतला आरक्ष सिंह, उनको मिला है बल्ब टीचर प्राइज। ये अवार्ड किसी एक को मिला है, नाम क्या है? अरे यार, अपनी भारतीय है, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा नाम अभी। अगला क्वेश्चन याद रखना, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को मिला है, किसमें सर यह पुरस्कार मिला है? तो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के क्षेत्र में, ठीक है। इसी प्रकार से स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल के रूप में किसको मिला है? तो याद रखना मीराबाई चानू को। अगला क्वेश्चन, दीपिका पादुकोण को भी हाल में टाइम 100 इंपैक्ट अवार्ड फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए इसमें चुना गया है, टाइम 100 इंपैक्ट अवार्ड के रूप में। अगला क्वेश्चन, जर्नलिस्ट इनका नाम है आरेफा जौहरी, इनको भी हाल में चमेली देवी अवार्ड मिला है, चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है इसको, आरेफा जौहरी को। अगला क्वेश्चन नंबर आज का 10वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल में नरेंद्र मोदी ने सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलिए। अच्छा नहीं यार, वो याद था, कुछ था, कोई बात नहीं, बता देंगे, याद आएगा जरूर। हाल में नरेंद्र जी पे रखा है, चलो, हाल में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का पहला पशुपालन को समर्पित रेडियो स्टेशन दूधवाणी को लॉन्च किया? जैसा कि आपको बताया एनिमल हस्बेंड्री मिशन, कौन सा याद रखना है? एनिमल हस्बेंड्री, HUSBANDRY, एनिमल हस्बेंड्री मिशन। इसके प्रथम संस्करण का शुभारंभ कब किया गया था? 2016 के अंदर किया गया था। अगर पूछ दिया जाए इसके द्वितीय संस्करण का शुभारंभ कब किया गया? 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर में किया गया। कहां पर किया गया सर जी? तो याद रखना है आपको, गुजरात के अंदर किया गया, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगली बार इसी को बढ़ावा देने के लिए दूधवाड़ी रेडियो चैनल को लॉन्च किया है, स्टेशन को लॉन्च किया है गुजरात में जाके, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूधवाड़ी कहां पर? गुजरात के अंदर इसको लॉन्च किया है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दूध के बारे में जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ोगे, दूधवाड़ी मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। दूध के संबंध में अभी हमने आपको बताया एनिमल हस्बेंड्री मिशन 2.0 का शुभारंभ कहां किया गया? दूध को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन पूछ दे, जेरी हेमलेट ये गांव कहां पर है जो भारत का पहला मिल्क ब्रिज बना है? तो याद रखनी है जम्मू का, यह जम्मू, कौन याद कर रहा है, यह जम्मू कश्मीर का गांव है, इसका नाम है जेरी हेमलेट, इसको भी हाल में भारत का पहला मिल्क विलेज घोषित कर दिया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दूध के क्षेत्र में कहां पर स्थापित किया गया? राजस्थान में। किसने स्थापित किया? डेनमार्क ने। क्यों? क्योंकि डेनमार्क को पहले से ही दूध की डेयरी के रूप में जाना जाता है। याद हुआ? हां सर हुआ। अगला क्वेश्चन, रेडियो चैनल लिख लो कॉपी में, आज तक के सारे महत्वपूर्ण रेडियो चैनल जो छेद करते हैं हर चीज में। सबसे पहले रेडियो अक्ष लिख लो भाई साहब, दोबारा मौका नहीं मिलेगा ऐसा, आज की क्लास शानदार रही है। रेडियो अक्ष को कहां लॉन्च किया गया? NAG नाग PUR नागपुर के अंदर। नागपुर कहां है? नागपुर हमारे महाराष्ट्र में है। ये रेडियो चैनल है, सिर्फ रेडियो चैनल। रेडियो अक्ष के बाद में जैसा कि आपका एक निकल के आता है जेलवाड़ी रेडियो चैनल, नाम क्या है याद रखना? जेलवाड़ी का शुभारंभ कहां किया गया? मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल में। इसी प्रकार से जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए जेल टूरिज्म, JAILTOU, इसी में लिख लो जेल टूरिज्म, प्लस इसी में लिखना जेल टूरिज्म
इसी में आप लोग लिख सकते हो जैसा कि आपका खावती लॉन, KHAVTI खावती लॉन। इसका शुभारंभ कहां किया गया? इसका शुभारंभ भी महाराष्ट्र की जेल में यरवर्दा जेल के अंदर किया गया था। इसी मध्य प्रदेश में याद करना सेंट्रल जेल में जेल वाले के साथ साथ में डकैत म्यूजियम, भारत का पहला डकैत म्यूजियम का शुभारंभ कहां किया गया? तो याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर। अगर पूछ दिया जाए मन की बात रेडियो चैनल, कौन सा? मन की बात रेडियो, तो ये किसका है? ये हमारे मोदी जी का है। किसका है? मोदी जी का। अगर आपसे पूछ दिया जाए आवाम की आवाज, क्या पूछ दिया जाए? आवाम की आवाज रेडियो चैनल किसने लॉन्च किया? आवाम की आवाज, तो दोस्तों याद रखना जम्मू कश्मीर के द्वारा। यंगिस्तान याद रखना हिल्स यंगिस्तान का दिल, हिल्स यंगिस्तान का दिल रेडियो चैनल किसने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिल्स यंगिस्तान का दिल एक प्रकार के रेडियो चैनल को लॉन्च किया गया। एक और लिख लो अमार भाषा BHASHA अमार भाषा। इसको भारत सरकार के द्वारा किस राज्य में? तो बांग्लादेश की संसद में, जो एक सदनीय है, बांग्लादेश की संसद में भाषाओं को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए अमार भाषा रेडियो चैनल को लॉन्च किया गया, जो एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। क्या है? ट्रांसलेटर है। तो ये सारी चीजें याद रखोगे, आज हमने आपको सारे के सारे रेडियो चैनल करा दिए लॉन्च। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन। आज के कुछ क्वेश्चन वन लाइनर, जिनको लिखाने का कोई मतलब नहीं है, बस दिल में डाल लो। क्या? टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अभी हाल में $44 बिलियन में किसको खरीद लिया है? तो याद रखना ट्विटर को खरीद लिया। किसको? ट्विटर को भी हाल में खरीद लिया एलन मस्क के द्वारा $44 बिलियन में। क्या बात है, ऐसा भी कोई इंसान है? 44 बिलियन भाई, 44 बिलियन, और हम लोग अपनी लाइफ में 1 बिलियन कमा नहीं सकते, ये 44 बिलियन में कोई चीज खरीद सकता है। ये भी हम लोगों जैसा था, हर चीज को टीम वर्क, जैसा मेरा क्वेश्चन होता है ना, हर चीज के साथ नॉलेज गेन करना, यही इनका वर्क है। इनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ना पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे ही थोड़ा ना हर क्वेश्चन का टॉपिक कवर कराते हैं, ताकि हम भी सोचते हैं कि आप लोग अपनी जिंदगी में वो करो जब तक किसी ने किया ना हो। हम तो चाहते हैं 100 पे 100 क्वेश्चन लेके आओ एग्जाम में। नौसैनिक कमांडरों का पहला सम्मेलन अभी हाल में नई दिल्ली में शुरू हुआ, शुभारंभ किया है हमारे राजनाथ सिंह ने। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा सरकार ने 2030 तक का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक मलेरिया दिवस पर। KL राहुल ने T20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने के साथ रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, टोटल 103 ठीक है शतक के साथ, मतलब कुल मिला के सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं रोहित शर्मा ने, इनके बराबर बना लिए हैं KL राहुल के द्वारा। इसी के साथ जापान की केन तनाका का 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये सबसे पुरानी और सबसे बुजुर्ग महिला थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है उड़ीसा स्टैटिक और करंट अफेयर। उड़ीसा निपटाते हैं हम लोग एक बार में बड़े कायदे में, ठीक है। सबसे पहले ये रहा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? अगर पूछ दे तो उड़ीसा किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? एक हमारा बेस्टू हो गया, एक हमारा झारखंडू हो गया, एक हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, एक हमारा हो गया तेलंगाना हो गया गुरुजी, और एक हमारा राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश। इतने यानी कि 5 राज्यों से करता सीमा साझा अकॉर्डिंग टू दिस मैप। अगला क्वेश्चन, ओडिशा प्रांत की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ये याद रखना 1 अप्रैल 1936 को जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें बिहार और उड़ीसा प्रांत के उड़ीसाई भाषा जिले शामिल थे, बिहार भी शामिल था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये बेसिक नॉलेज थी। उड़ीसा का राज्य फूल का नाम है अशोक, वृक्ष का नाम है पवित्र अंजीर, राज पशु का नाम है सांबर और राज पक्षी का नाम है भारतीय रूलर। ये जो राज्य वृक्ष है ना अंजीर, अंजीर का एक केले जैसा पौधा आता है, केले जैसा कड़ आता है, वो खाया जाता है जिनके सिर में दर्द होता हो ना उनके लिए होता है। हमने बहुत खाया है क्योंकि मेरे सिर में दर्द होता था, रात रात पर हम जगते थे कंटेंट के लिए, जब इसको खा चुके अब रात में जगते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, रूटीन हो गया है। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को, कैपिटल कहां पे? भुवनेश्वर में। गवर्नर का नाम है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक, एरिया दृष्टि
एरिया के हिसाब से 9वीं रैंक और पॉपुलेशन के हिसाब से 11वें नंबर पे आता है ओडिशा। गठन हो गया, हाँ सर, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब टोटल 147 सीटें आती हैं। विधानसभा में 147, राज्यसभा में कितने 21 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें, ठीक है, लोअर सदन में 21 सीटें और राज्य सदन में मतलब कि अरे यार VR और L भूल जाओ तो ऐसे याद रखना। जैसे विधानसभा में कितनी सीटें 117, विधानसभा में सीटों की संख्या और लोकसभा में सीटों की संख्या ये ज्यादा होती है, इसमें होती है कम किसमें 10 में, तो कम वाली किसको कहेंगे, राज्यसभा को, राज्यसभा किसको कहते हैं, उच्च सदन को। क्या बात है, मजा आ गया ना ट्रिक में। और लोकसभा में ऑटोमेटिकली 11 हो जाएंगे, बीच में सबसे कम आती है तो ये रही कम, ये देखो ज्यादा हो गई है, सब में यही होता है गुरु। जिलों की संख्या कितनी होती है 30। उच्च न्यायालय कौन सा, उड़ीसा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, एस मुरलीधर, नाम क्या है, एस मुरलीधर। टेम्पल कौन कौन से हैं, पुरी में जगन्नाथ टेम्पल, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, लेक कौन कौन सी है, अंशुपा झील, चिल्का झील और आपकी कांजियाल की झील, कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। रिवर कौन कौन सी बहती है, सर जी महानदी, ब्रह्मणी, बैतरणी, इंद्रावती, रशिकुल्या, वसुंधारा, नागावली, बुधलंगा, स्वर्णरेखा, बहुधा और कोलाब, ये सारी नदियां बहती है हमारे उड़ीसा में, वन लाइनर वाली भी सारी हमने आपको बता दी है। डैम कौन कौन से हैं, हीराकुंड बांध महानदी पर, आपका रैंगलिंगस बांध ब्रह्मणी नदी पर, इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर, जलापुट बांध मुंचुकुट नदी पर और मंत्रा बांध बना है शंख नदी पर। अगला क्वेश्चन, स्टेडियम सर जी, प्रतिष्ठित बारामती स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम, दिलीप तिर्की स्टेडियम और राउरकेला हॉकी स्टेडियम, ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ठीक है, ये वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा वर्ष 2023 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोक डांस सर जी, ओडिसी, छऊ नृत्य, घुमरा नृत्य, मोटीपुआ नृत्य, सबलपुरी नोक नृत्य, कहां पर मनाए जाते हैं, उड़ीसा के अंदर। सर पोर्ट कौन कौन से हैं, याद रखना बंदरगाह पारादीप पोर्ट उड़ीसा के अंदर है, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दोनों चर्चे में है। सिमलीपाल में आग लगी हुई थी और सिमलीपाल पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना है, कहां का, उड़ीसा का, और दूसरा कौन सा बना है, महेंद्रगिरी। भितरकनिका नेशनल पार्क में सफेद मगरमच्छ की वजह से ये फेमस है और अभी हाल में चर्चे में था क्योंकि इसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर कौन कौन सी है, बंद्रमा, बैसीपल्ली, भितरकनिका, चंद्रिका आती है बैरण, देवरीगढ़, कालरापाद वन्यजीव बैरण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कालरापाद। अगला, खराशुनी, कोटागढ़, कुल्लीरा, सुनबेड़ा, लाखरी घाटी वन्यजीव बैरण, हमारा नंदक कानन प्राणी वन्यजीव उद्यान, सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और आपका कपिलसा, जिनके नीचे अंडरलाइन है, ये अति महत्वपूर्ण है, बाकी नॉर्मल याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब नहीं यार बहुत हो गया, ये था पूरा मैटर, अब ये मत कहना सर उड़ीसा इतना जल्दी जल्दी क्यों करवा दे, क्योंकि इनमें कुछ नहीं है, जब पढ़ाते हैं तो दिमाग में आ जाता है, घर पे पीडीएफ से पढ़ लो, नोट करना है पीडीएफ से कर लो, इसलिए हर चीज के प्रॉपर नोट्स होते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो मेरे दोस्त। इसी प्रकार से फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर, फ्री क्यूजर्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, बुक्स के लिए आप लोग कर सकते हो एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को लॉन्च। इसी प्रकार से मशाल MASHAL 25 प्लस कोर्सों के साथ में 1499 इसके ऑफर वैलिड के साथ में प्राइस रखे गए हैं, आगे चल के ये 1799 का हो जाएगा 2 से 3 दिन में, तो याद रखना 1499 में 25 से प्लस कोर्सेज के साथ में मसाल बैच अभी हाल में हुआ है आप लोगों के लिए लॉन्च। अपकमिंग ऑल एग्जाम्स के लिए पीडीएफ ना मिलती हो विशाल सर डिजिटल करंट अफेयर पे मैसेज कर देना कि सर पीडीएफ नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन पीडीएफ ना मिले कमेंट जरूर करना क्योंकि पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे वाले, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, क्योंकि हर चीज इसमें पूरी नॉलेज के साथ में आपको दी जाती है, क्वेश्चन है हाल में किस राज्य ने महिलाओं के लिए हौसला इंपायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जम्मू कश्मीर ने, लेकिन सिर्फ हौसला का शुभारंभ पुलिस के लिए तो उत्तराखंड ने, ठीक है भैया। अगला घर के लिए क्वेश्चन, हाल में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए कोवी वैन नामक एक वाहन हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है, कोवी वैन, दिल्ली ने, कर्नाटक ने, हरियाणा ने या फिर आंध्र प्रदेश के द्वारा। सर पीडीएफ के लिए लिंक दे दीजिए टेलीग्राम का, पिंटू शर्मा जी यार हद है, ये गुस्सा क्यों करते हो यार, हम तुम्हारी जोरू वोरू हैं क्या, हैं कि रोटी नहीं दोगे तो गुस्सा कर देंगे,
ये गंदी बात है यार, VISHAL विशाल DCA लिख लिया, फिर लगाओगे डॉट, फिर लगाओगे EXAMPUR विशाल DCA डॉट एग्जाम्पल, यहाँ डॉट है फिर एग्जाम्पल है, यहाँ लगाओगे एट द रेट GMAIL जीमेल, इसके बाद डॉट लगाना, फिर लगाना कॉम। और मेल करनी ना आती हो तो अपने पड़ोस में कोई भी ऐसा इंसान हो जिससे पूछे ना मेल कैसे करते हैं, ये YouTube पे डाल देना हाउ टू सेंड मेल बाय मोबाइल, तो आराम से बता देगा मेल कैसे जाती है। अपने आईडी से मेल करना वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। टू में ये डाल देना और सब्जेक्ट में डाल देना सर PDF, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, ये मत डालना, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं पता कैसे, एक तो बड़ी मुश्किल से हम मैसेज को रिप्लाई दे पाते हैं। कल हमने शाम को मेरे पास लगभग 1500 मैसेजेस थे, 1500, और कल पूरी रात लगी आज जगने में, वैसे 1-1.5 घंटे सो भी लेते थे लेकिन आज सोने का टाइम नहीं मिला है, और अभी भी मेरे पास कितने 700 मैसेज आ चुके हैं अब तक, क्लास जब से स्टार्ट हुई है तब से अब तक 700 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, इनका रिप्लाई मैं देना है, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके पास मेरा रिप्लाई जाता ना हो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसके पास मेरा फर्स्ट नंबर ना हो, क्यों, क्योंकि हर चीज की नॉलेज हम आपको देते हैं, बोलो तो दिक्कत क्या है, लेकिन एक शर्त पर, जिस सपने के लिए माँ बाप पैसे देते हैं ना वो सपना अगर पूरा ना हुआ भाई साहब शादी नहीं होगी, इतना याद रखना है ना, शादी नहीं होगी इतना याद रखना। डेट आज की क्या है, डेट आज की है कितनी है यार, 26 तारीख है ना, 26 तारीख की, देखो ये PDF बुरी तरीके से हो गई है कवर, 26 नहीं 27 है यार गुरु, 27 अप्रैल, मन होता नहीं क्लास छोड़ने का, क्या बताएं, जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक तो मन मर्जी कर लो भाई साहब, शादी अगर हो गई तो 6:30 बजे कॉल आ जाया करेगी, क्लास छोड़ो, क्लास छोड़ो, है ना, पिंटू शर्मा जी आपकी मुराद हमने पूरी कर दी है, अब बताओ किसी कोई दिक्कत, SSC CGL, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आप ये पूछो सर एग्जाम सर GK के क्वेश्चन लाइए, आंचल आंचल कक्कर जी GK क्वेश्चन है ना, बहुत जल्दी, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी, ठीक है, अभी ही हाल ही में, कल परसों नरसों में बहुत ही जल्दी सेशन आने लगेगा, चिंता मत करो, ठीक है, बताओ और कोई दिक्कत किसी को, एक बार सेशन को लाइक कर देना, थोड़ा सा सर नोट नहीं कर पाते हैं PDF पढ़ ले, कुशाल कटियार जी देखो गंदी बात है, PDF में क्या होता है कभी कभी हम स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, कभी कभी कोई वर्ड गलत लिख दिया, जब लाइव, क्योंकि मेरी आदत क्या खराब क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते चीज बोलते तो सही है लेकिन लिख गलत देते हैं, ऐसा होता है, बोला सही है पट्टी लगा दिया किसी अदर ऑप्शन पे, तो ये गलती हो जाती है। लाइव क्लास में करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है ये पढ़ने का सही तरीका है दोस्त, जो हम भी पढ़ते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा एग्जाम वो बात अलग है कि लेवल कुछ और हो गया है, ठीक है, लेवल कुछ और हो गया है, तो और उसको पाने के लिए चाहे दिन हो या रात हो, इन आंखों में नींद तो आती है लेकिन आंखों में नींद आने से पहले पलकें और नींदों को अंदर नहीं जाने देती हैं, वो ये कहती हैं पहले सपना पूरा होगा, नींद उतनी पूरी करो जितने से जिंदगी कट जाए, ठीक है, क्योंकि एक बार सपना पूरा हो गया ना जो मेरा वाला है पैसा, वो होगा मेरा लक्ष्य, वो नहीं है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के घूमो, कुछ और करने का है, मिलेंगे कभी, अपना अपनी सक्सेस के बाद आप लोगों से मिलेंगे जरूर, हर स्टूडेंट के घर पे आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, एक गोल के साथ में बहुत कुछ करेंगे, मिलके करेंगे, अकेले नहीं करेंगे, आप सब लोग मेरे साथ होंगे लेकिन एक शर्त पे, अभी से साथ रहो पूरी जिंदगी निकाल देंगे साथ की, है ना, मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से 5 बजे SSC एग्जाम एग्जाम्पल पर, एक नई उम्मीद के साथ में, एक नए सेशन के साथ में और एक नई रणनीति के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।